अरे बोलो ना यार। क्लियर? नो सर। क्लियर सर। नो सर। क्लियर। एंड व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो? इज माय हैंडसम फेस क्लियरली विजिबल टू यू? यस सर। यस सर। यस सर। एक्सीलेंट। ओके। मैक्सिमम 5 मिनट्स प्रोविजन, देयर आफ्टर वही कैमरा या माइक दो चीज एक ऑन में, दोनों में से एक चीज ऑन वाला रूल अप्लाई करेगा, अदरवाइज रिमूवल इज गोइंग टू स्टार्ट। लेट अस कंटिन्यू। वी आर स्टिल इन अवर चैप्टर इंट्रोडक्शन। लास्ट ईयर तक, मतलब उसके एक साल पहले तक, हमने अब तक जितना पढ़ा है उसमें इंट्रोडक्शन का चैप्टर खत्म हो जाता था। बाय द वे, व्हाट हैव वी स्टडीड टिल नाउ? व्हेन वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इंट्रोडक्शन अबाउट द फैकल्टी, अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द स्टडी मटेरियल, ऑफ कोर्स एन इंपॉर्टेंट थिंग द एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर फॉर योर एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन सा लॉ पढ़ना है। इनकम टैक्स लॉ चेंजेस एवरी ईयर, विच इज द एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर फॉर योर एग्जाम? 21, 22. असेसमेंट ईयर 22, 23. और इसी बेसिस के ऊपर हमने टैक्स का रेट्स पढ़ना शुरू किया। We finished individual HUF, AOP, BOI, AJP, company and firms का of course respective specialized chapter of the respective assessee बना हुआ है। तो company का company वाले chapter में और firm का firm वाले chapter में, respective chapter में कर लेंगे। At this stage tax के rates भी खत्म हो गए। Somewhere our mind should tell us or is telling us that sir अब तो introduction खत्म होना चाहिए, लेकिन unfortunately नहीं खत्म हुआ है because screen is visible. Yes sir. Yes, sir. Now we will have to go and study income tax ke andar something called an alternate taxation regime. Ek baat batao kya? Main last year isko bolta tha new taxation regime. Kya bolta tha last year? New tax. Mere last new year ke kisi bhi bachche ki notes dekhoge, textbook dekhoge, handwritten book dekhoge, kisi bhi book mein likha tha new taxation regime. Sir, aisa kyun? Because last year it was new, no boss. लास्ट ईयर इट वॉज एन अमेंडमेंट। असेसी इसको बोला तुमको जो एग्जिस्टिंग रेट्स दिया, सर एग्जिस्टिंग रेट्स कौन सा? वही 255 लाख, 10 लाख, 0, 5, 20, 30। तुमको जो एग्जिस्टिंग रेट्स दिया, अगर वो तुमको नहीं फाता है, हाय गुजूस, गुड मॉर्निंग, गिव मी अ चीयर। नहीं, यस यस सर, अगर एग्जिस्टिंग रेट्स नहीं फाता है, फाता है मींस नहीं जमता है, नहीं पसंद आता है, तो तुम ये अलग से एक डिफरेंट रेट्स दिए उसके हिसाब से तुम टैक्स भर दो। और वो नया आया था, न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोविजन, इट वाज एन अमेंडमेंट, तो मैं उसको बोलता था न्यू टैक्सेशन रेजिम। क्या बोलता था उसको? न्यू टैक्सेशन रेजिम। लेकिन क्या अब ये एक अमेंडमेंट है? नहीं ना सर, इट बिकम्स 1 ईयर ओल्ड नाउ, एंड दस इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट न्यू, इट्स ओनली अ चेंज इन टर्मिनोलॉजी, आई एम नाउ गोइंग टू कॉल इट ऑल्टरनेट टैक्सेशन रेजिम। ये ऑल्टरनेट टैक्सेशन रेजिम इनकम टैक्स में 2 ईयर आया। सबसे पहले आज से 2 साल पहले, दैट मींस कैन आई से प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, आज से 2 साल पहले हो गया। इफ यू क्लियरली रिमेंबर द ईयर एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम, तो मतलब आपके ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो दिस इज 2 ईयर ओल्ड। देयर वर 2 सेक्शंस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इनकम टैक्स, 115BAA एंड 115BAB। दीज 2 सेक्शंस वेर एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनीज। कंपनीज को अगर अपना करंट जो इनकम टैक्स का रेट है वो नहीं पसंद आ रहा है, तो कंपनीज डिफरेंट तरीके से इनकम टैक्स भर सकते हैं। दीज 2 सेक्शंस वर एप्लीकेबल फॉर हूम? डोमेस्टिक कंपनीज। और लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब आपका कौन सा ईयर हो गया? प्रीवियस ईयर 2021, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 2021-22। डू यू रियलाइज दिस इज 1 ईयर बिफोर योर एग्जाम? Yes, sir. 2 more sections were introduced. एक सेक्शन आया, अगर आप अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजी देखोगे तो आपको समझ में आता है अल्फाबेटिकली बैक टू बैक सेक्शन। दे इंट्रोड्यूस्ड 115BAC, दिस वॉज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड 115BAD लास्ट ईयर, दिस इज एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब इन सभी असेसिस के लिए क्या ऑलरेडी इनकम टैक्स के कोई ना कोई रेट्स थे? यस सर। लेकिन अगर तुमको एग्जिस्टिंग वाले टैक्स के रेट्स नहीं जम रहे, देन वी आर गिविंग यू
न्यू रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड क्रोनोलॉजिकली एक के बाद एक सेक्शन बना दिया. बी डबल ए बी ए बी इज फॉर विच एसएससी? डोमेस्टिक कंपनी. बी ए सी इज फॉर विच एसएससी? इंडिविजुअल. एंड बी ए डी इज फॉर विच एसएससी? तो ऑफ कोर्स ये वाले क्योंकि कंपनी से रिलेटेड है तो ये वाले तो आपके मैट के चैप्टर में जब आपको ओल्ड रेट्स और न्यू रेट्स दोनों दे दूंगा, ओल्ड के हिसाब से ये था और न्यू के हिसाब से ये था. हैव आई इवन गिवन यू ओल्ड रेट्स ऑफ कंपनीज? नहीं ना. ओल्ड का जब दूंगा उसी टाइम पे इसका न्यू भी कराऊंगा. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कंपनी का टैक्स रेट्स आई विल बी गिविंग यू वेयर इन विच चैप्टर? मैट का चैप्टर, तो वो तभी दूंगा. बट क्या मैंने, आई एम आस्किंग यू, हैव आई गिवन यू एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ? यस सर. यस सर. एंड आल्सो कोऑपरेटिव सोसाइटी? यस सर. यस. फिर ये मैं आपका यहीं पे खत्म करूंगा. ये दो सेक्शन करंटली मेरा एजेंडा है. दिस इज नॉट इवन माय एजेंडा राइट नाउ. This will come in the respective chapter of companies, which is minimum alternate tax. My current agenda is to teach you 115 BAC, which is a new taxation regime applicable for individual HUF, and 115 BAD, which is a new taxation regime applicable for resident cooperative societies. That's my current agenda. Are you following what is happening? Yes. Yes, sir. चलिए, very good. तो इसको ध्यान में रखते हुए वैसे तो मुझे आपको ये दो ही सेक्शन कराने. देन व्हाई एम आई इवन टॉकिंग, व्हाई डिड आई इवन रिफर टू देम? आई कुड हैव डायरेक्टली टोल्ड यू कि भाई ये दो करा रहा हूं और जब मैट करता तभी मैं आपको मैट वाले जो कंपनी वाले दो सेक्शन है बी डबल ए एंड बी ए बी, आई कुड हैव डन दैट. बट द रीजन इज दैट इन ऑल दीज फोर सेक्शंस, व्हिच फोर? 115 बी डबल ए बी ए बी एप्लीकेबल फॉर कंपनीज, बी ए सी एंड बी ए डी applicable for individual HUF and cooperative society respectively, there are certain common points. Even though BAA and BAB are currently not in our agenda, they will come in MAT chapter. Our current agenda is going to cover only BAC, BAD. Hamara current agenda cover karega only BAC, BAD. Lekin there are some points which are applicable to all the four sections. Agar aap carefully observe karoge, to ye alphabetically bhi ek chronology mein hai na. इनके बीच में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं. अब मैं आपको इन दोनों का कॉमन पॉइंट्स बताऊं, ये दोनों तो हमको वैसे भी अभी करना ही है, तो साथ में ये दोनों भी कवर हो जाएंगे. इसके लिए बी डबल ए बी ए बी का मैंने रेफरेंस लिया, नहीं तो मैं उनका नाम भी नहीं लेता. सो देर आर सर्टन कॉमन पॉइंट्स इन ऑल द फोर सेक्शंस. फर्स्ट टेल मी व्हाट आर द फोर सेक्शंस इन न्यू टैक्सेशन रेजिम? 115 BAC. पहला दोनों सेक्शन एप्लीकेबल फॉर होम? डोमेस्टिक कंपनी. तीसरा सेक्शन BAC इज एप्लीकेबल फॉर होम? इंडिविजुअल. फोर्थ सेक्शन BAD एप्लीकेबल फॉर? रेसिडेंट कोऑपरेटिव. BAA BAB हम लोग किधर पढ़ेंगे? मैट. तो करंटली हम लोग कौन सा दो सेक्शन पढ़ने वाले न्यू टैक्सेशन रेजिम? BAC BAD. तो जब BAA BAB पढ़ नहीं रहे तो उनका नाम क्यों लिया? बिकॉज़ चारों सेक्शन में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं. तो दैट विल हेल्प यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटायर न्यू टैक्सेशन रेजिम. लेट्स डिस्कस द कॉमन पॉइंट्स फर्स्ट. अब आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. फर्स्ट वी विल डिस्कस कॉमन पॉइंट्स. कैन आई से दे आर एप्लीकेबल टू ऑल द फोर सेक्शंस? फिर देर आर अ कपल ऑफ डिफरेंसेस, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. के 115 BAC जो इंडिविजुअल HUF वाला है ना, उसमें दो तीन पॉइंट, एक दो पॉइंट है जो बाकी तीन में नहीं है, वो थोड़ा अलग है. BAC इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री. आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. एंड देन आई विल टीच यू 115 BAC, फिनिश इट. आई विल टीच यू 115 BAD, फिनिश इट. तो मतलब इस चैप्टर के एजेंडा के दो सेक्शन खत्म हो जाएंगे एंड फाइनली हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. दैट इज द स्टेज वेयर वी विल डिक्लेयर अवर इंट्रोडक्शन चैप्टर over. And then of course BAA BAB apne respective chapter mein aayenge. Now then what are the common points in all the four sections? Ek ek karke samajhne ka koshish karte hain. In all the four sections 115 BAA BAB BAC BAD, Nirmala aunty ne tax ke rates ko kam kiya.
जो भी आपका एग्जिस्टिंग रेट था, व्हाटएवर वाज एग्जिस्टिंग रेट्स ऑफ टैक्स, व्हाटएवर वाज एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स, इफ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल एचयूएफ, यू रिमेंबर 0, 5, 20, 30, इफ आई टॉक अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, डू यू रिमेंबर 10,000 पे 10%, 10 to 20 में 20%, मोर देन 20-30%, शी रिड्यूस्ड द रेट्स ऑफ टैक्स. द असेसीज वर कॉन्स्टेंटली प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट, please reduce the tax, please reduce the tax, and they have now done it finally, they have reduced the tax, but with a catch. Pay attention please, with a catch here. Kya hai wo catch? There are certain tax benefits that assessees are given in income tax, which you will have to now forego. Ek lamba list bana hai, agar BAC ki baat karu to 20 points ka list bana hai. 20 tax benefits in income tax which you have to forego. BAD mein 10 hai. Sir, iska matlab kya hota hai? Samjhata hu. There is a particular exemption that you are taking. Whenever you take an exemption, what happens to your total income? Reduces. Accordingly, your tax will also reduce. Matlab, tu pehle ek to exemption leke apni income kam kar raha hai. Tax already kam bhar raha hai. Phir bolta hai ki rate bhi kam karo. दोनों चीज साथ में नहीं हो सकती. Then listen, do you want us to reduce your tax liability? I'm explaining the logic here. Do you want us to reduce your tax liability on the condition that you stop taking that exemption or the deduction? And ऐसे कितनी बड़ी लिस्ट है, how many tax benefits that you have to forego? If I talk about BAC, 20 tax benefits to be forego. To name a few, of course I am going to tell you all of them. To name a few, अगर आप special economic zone में business करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर डिडक्शन मिलता है. यू टेक द डिडक्शन एंड यू रिड्यूस योर इनकम एंड यू पे टैक्स एट द एग्जिस्टिंग रेट्स. ऑप्शन टू, डोंट टेक द डिडक्शन, देयरफॉर योर इनकम विल इंक्रीज. पे टैक्स एज पर न्यू रेट्स, जो एग्जिस्टिंग रेट से कम. मतलब ओल्ड रेजिम में रहोगे तो आपको डिडक्शंस एग्जेम्पशंस मिलेंगे, न्यू रेजिम में जाओगे तो आपको वो डिडक्शन वो एग्जेम्पशन छोड़ना पड़ेगा. इसमें सैलरी के कोई कोई एग्जेम्पशन है, जैसे हाउस रेंट अलावेंस का एक एग्जेम्पशन सैलरी में मिलता है, बट न्यू टैक्सेशन रेजिम में यू हैव टू फॉरगो दैट. पीजीबीपी के सबसे ज्यादा है, देयर आर अबाउट 7-8 ऑफ पीजीबीपी. एडिशनल डेप्रिसिएशन करके एक डिडक्शन है, 33ABA, साइंटिफिक रिसर्च, स्पेसिफाइड बिजनेस. लेट मी बी ऑनेस्ट, जब मैं आपको लिस्ट अगर ये चैप्टर में करा भी लूंगा ना, वो लिस्ट आपको समझ में नहीं आएगी. लेट मी बी ऑनेस्ट, यू वोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज दीज आर सेक्शंस ऑफ अदर चैप्टर्स. बिजनेस प्रोफेशन का सेक्शन है, क्लबिंग ऑफ इनकम का सेक्शन है, IFOS का सेक्शन है, सेट ऑफ का सेक्शन है. समझ में नहीं आएगा, मैं खुद एडमिट कर रहा हूं. जब वो चैप्टर करेंगे ना पीजीबीपी, तब आपको समझ में आएगा. बट देयर इज वन थिंग विच यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड यू विल बी शॉक्ड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. चैप्टर 6 है तो हमको सबको पता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, डोनेशन, 80C, 80D, 80G. बोला सर बाय नाउ वी थिंक वी आर एलिजिबल फॉर 80U आल्सो आफ्टर गिविंग सो मेनी इयर्स इन CA. 80U मालूम है? कोई बात नहीं, टाइम आएगा तब वो भी करा लिया जाएगा, वो भी करा लिया जाएगा. चैप्टर 6 से का डिडक्शन मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेके यू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी. यस सर. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, द न्यूज फॉर द डे इज, अगर आपको कीड़ा खा रहा है, कौन सा कीड़ा? आई वांट न्यू रेजिम, लेस रेट ऑफ टैक्स, न्यू रेजिम, लेस रेट ऑफ टैक्स. तो ये जो लिस्ट है ना लिस्ट, इसमें आपका चैप्टर 6A का डिडक्शन भी आता है ना. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, डोनेशन, सब गया भाड़ में, सब गया भाड़ में. एक काम करना, गूगल मैप खोलना अपने फोन में, टाइप भाड़. गुजरात पाकिस्तान, गुजरात और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है ना, उधर एक गांव है भाड़. गुजरात में पता है ना पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे एक गांव है भाड़. उधर गया, किधर गया? उधर भाड़ में गया, भाड़. चैप्टर 6A का डिडक्शन खत्म, टाटा फिनिश, बाय बाय. ए सुनो 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 सुनो, तुमको चैप्टर 6 से चाहिए क्या? 80C, 80D, 80G, 80U. यू वॉन्ट यू कैन, बट ओनली इन द ओल्ड. न्यू में जाना है तो छोड़ना पड़ेगा. आर यू नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? दैट मींस वी आर गोइंग टू, एंड दिस इज कॉमन इन ऑल द फोर सेक्शंस. डोंट फॉरगेट व्हाट एम आई डूइंग करंटली,
certain things which are applicable to BAA, BAB, BSc, BAD, all four. In all the four, what will happen to your tax rate? What will we do with your tax rate? Reduce your tax rate. Reduce your tax rate. But on the condition that you have to forego a list of tax benefits that we are giving. And it's a long list. When we will do the sections, we will go through the list. But have you understood these two points? I will now continue with of new taxation regime. Next, yaad rahe hamesha zindagi mein ke new taxation regime kabhi bhi compulsory nahi hoga. New taxation regime is always going to be optional. Is always going to be optional. Matlab, does the assessee have the option of staying in the old regime? Taking the tax benefits? Not foregoing the exemption and deduction. Taking them and paying tax as per the old rate, which may be higher. This is where the problem lies, no, dear students. This is where the problem lies. Please understand my problem. Pagal auntie, pagal wali auntie, tumko agar tax ke rates kam karna tha, it was a revolutionary step. And you could have actually abolished all that. Aap ek kaam karte na, chapter 6 se delete hi kar dete income tax se. Special economic zone delete. Aapko pata chalta hai, chapter 6 se delete ho gaya, ek chapter kam ho gaya. SEZ का deduction delete हो गया, एक chapter कम हो गया. PGBP में जो ये additional depreciation, scientific research, ये सब section है, यही तो सब बड़े-बड़े section है, depreciation वाले, scientific research वाले, तो इतना सब delete कर दो, and बोल दो कि नया वाला regime compulsory है. तो at least assessees को confusion तो नहीं रहता ना. Confusion is always when you have multiple options. तुम बोल ही देते ये सब कुछ निकाल दिया और हमने टैक्स का रेट्स कम कर दिया तो आपका और मेरा वर्कलोड भी कम होता. अभी क्या किया है, रेट्स कम किया लेकिन पुराना वाला डिलीट नहीं किया. दैट मींस ऑल दोस चैप्टर्स, एसईजेड वाला चैप्टर, डिडक्शंस वाला चैप्टर, पीजीबीपी के सब सेक्शन, वो भी पढ़ने तो पड़ेंगे ना. बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी असेसी हु इज गोइंग इन द ओल्ड रेजिम एंड टेकिंग दोस डिडक्शंस. एंड व्हाई डू आई से दैट, बिकॉज द न्यू टैक्सेशन रेजिम इन ऑल फोर सेक्शंस, द न्यू टैक्सेशन रेजिम इज Come on, tell optional. Me the word. Optional. 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 Next point. Common in all four. Common in all four. Next point. आपको नया taxation regime का अगर आपको option चाहिए, तो you have to exercise this option. मतलब आपको आके बोलना पड़ेगा, sir, 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 new. Sir, मेरा new, sir, मेरा new. Unless and until you say that, by default आप किस में रहोगे? डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? Old. न्यू तभी ही अप्लाई होगा अगर आप एक्सरसाइज करते हो, एंड दैट आल्सो ऑन और बिफोर 139(1) ड्यू डेट. ये थोड़ा सेक्शन नंबर की भाषा हो गई. आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग. 139(1) इज द सेक्शन अंडर विच इनकम टैक्स रिटर्न आर फाइल्ड और उसकी ड्यू डेट्स दी है. तीन ड्यू डेट हमारे कंपनी में है, हमारे कंट्री में सॉरी है. इफ एनी असेसी has transfer pricing, उसके लिए 30th November करके एक due date है. अगर आपको audit है, तो पहले September होती थी, अभी वो भी change हो गई, it has become October, 31st October. And anybody who does not have transfer pricing or audit, उनके लिए 31st July एक due date है. There are three due dates of return filing in our country, July, October, November, depending upon the assessee. आपको अपना due date पता होना चाहिए, और आपको नया taxation regime चाहिए, तो आपको अपने ड्यू डेट के पहले वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा. सो इज द न्यू टैक्सेशन रेजिम अवेलेबल एज एन ऑप्शन? यस सर. इन ऑर्डर टू अवेल दैट ऑप्शन, इन ऑर्डर टू क्या बोला मित्रों, अवेल दैट ऑप्शन, यू हैव टू एक्सरसाइज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग. 139(1) मतलब कौन सा ड्यू डेट है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले आपको वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, स्टिल कॉमन इन ऑल फोर. अभी तक हम लोग वही बातें कर रहे हैं जो चारों सेक्शन के अंदर कॉमन कॉमन है. अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज ऑफ न्यू टैक्सेशन रेजिम, ये एक सीक्रेट एडवांटेज है. बहुत सारे लोग ना बाजार में रेट्स की बात कर रहे हैं, फॉरगोइंग ऑफ टैक्स बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे. न्यू टैक्सेशन रेजिम, कंपनी के दो सेक्शन है, BAA, BAB, यस, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए BAC एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए BAB. अब मेरी बात सुनो,
कंपनीज जो हमारा नॉर्मल टैक्स भरती है उनके ऊपर एक और टैक्स लगता है कॉल्ड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट. आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट दैट. मिनिमम आठ लो दिस मच मिनिमम यू विल हैव टू पे. कंपनीज को लगता है मैट. किसको लगता है मैट? किसको लगता है मैट? इज एप्लीकेबल टू कंपनीज. और मैट के साथ साथ देयर इज अनदर टैक्स कॉल्ड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स. मैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. AMT is alternate minimum tax. It is applicable to other assesses. Other में, can I say, individual, HUF, cooperative society, वो सब आएंगे? Yes, sir. Yes. Just like every company yes. अपना MAT calculate करती है, individual HUF अपना AMT calculate करते हैं. और company को minimum इतना भरना पड़ता है, individual HUF को minimum इतना भरता है. लेकिन अगर आपने नया taxation regime लिया, company कौन सा वाला section लेगी? ये वाला? तो कंपनी को मैट नहीं लगेगा. यू अंडरस्टैंड आई हैव रिटन बोथ फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोविजन. नो मैट फॉर कंपनी टेकिंग BAA BAB. और इंडिविजुअल एचयूएफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या लेंगे? ये लेंगे. यस उनको क्या लगता है? मैट लगता है कि एएमटी नॉर्मल केसेस एएमटी उनको एएमटी नहीं लगेगा. कंपनी को मैट नहीं लगेगा मित्रों. कंपनी को मैट नहीं लगेगा. इंडिविजुअल एचयूएफ को AMT नहीं लगेगा. So I have written both over here depending upon assessee कौन है. Assessee कोई भी हो सकता है ना चार में से, चार section में. Did you understand? Yes. New taxation regime में tax की rates कम हो रही है. That is an advantage. No doubt about it. But apart from that, there is another hidden advantage. And what is that second hidden advantage? Any company opting for new taxation regime, what are the two sections for companies? BAA, BAB. उस कंपनी को जो एक अल्टरनेट टैक्स लगता है, विच इज दैट अल्टरनेट टैक्स एप्लीकेबल टू कंपनीज, मैट, वो नहीं लगेगा. एएमटी तो लगता ही नहीं. एएमटी इज फॉर अदर्स. मैट नहीं लगेगा. और अदर्स को मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन सा वाला लगता है? एएमटी. उनको वो नहीं लगेगा. जो भी आपका मैट एएमटी है वो नहीं लगेगा. आप ये चार में से जो भी सेक्शन ले लेते हो. ऑफ कोर्स हैव वी ऑलरेडी डिफाइंड द एलिजिबल असेसी इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन? यस सर. वो रिस्पेक्टिव असेसी को मैट एएमटी जो भी उसको लगता है, नॉर्मल केसेस में लगता है, ओल्ड रेजिम में लगता है, वो न्यू वाले रेजिम में मित्रों नहीं लगेगा. वो न्यू वाले रेजिम का फुल फॉर्म क्या था? हैं? एएमटी का फुल फॉर्म क्या था? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स. मैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. एएमटी इज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स. इतना ही है डिफरेंस. ओके सर. ओके. बाय द वे अगर मैं अपनी टेक्स्ट बुक की बात करूं तो मैट है ना हमारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 15 है और एएमटी हमारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 16 है. एनी असेसी हु इज इन ओल्ड रेजिम, हियर मी आउट. एनी असेसी हु इज इन ओल्ड रेजिम, क्या कंपनी को मैट लगेगा? यस. एंड अदर देन कंपनी को एएमटी लगेगा ओल्ड रेजिम में? यस. अगर आप न्यू रेजिम कंपलसरी बना देते निर्मला आंटी, आप सुनिए, अगर न्यू वाला रेजिम कंपलसरी बन गया होता तो आपको पता है ये दोनों चैप्टर भी डिलीट हो जाते, क्योंकि न्यू रेजिम के अंदर यही तो पॉइंट है. व्हाट इज पॉइंट ही? न्यू रेजिम के अंदर मैट एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल. बट ऑफ कोर्स ओनली इफ यू हैव ऑप्टेड. दैट मींस दोज हु डोंट ऑप्ट फॉर न्यू रेजिम विल मैट एएमटी अप्लाई टू देम? यस. एंड फॉर दोज असेसीज वी हैव टू लर्न चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16 आल्सो. उन असेसीज के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास. ओके. असेसी के पास ऑप्शन है, अपन सीए के बच्चे हैं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, अपने को सब पढ़ना पड़ेगा. जब ये नया टैक्सेशन रेजिम आया मुझे लग रहा था ये कितना अच्छा चीज आ रहा है, दैट इससे कितने सारे चैप्टर इनकम टैक्स के चले जाएंगे, कितना वर्क लोड बच्चों का भी कम हो जाएगा, टैक्स प्रोफेशनल्स का कम हो जाएगा, पढ़ाने वालों का कम हो जाएगा. कुछ भी कम नहीं किया ओल्ड और न्यू साथ, उल्टा ये जो इंट्रोडक्शन का तीसरा लेक्चर चल रहा है ये अभी एक्स्ट्रा चल रहा है. ये पहले कभी नहीं लेना पड़ता था लेकिन अब ये भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो हमारा ओल्ड रेजिम पे ही चैप्टर खत्म हो जाता था, नया रेजिम ही नहीं था. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. यस यस सर. एंड द लास्ट कॉमन पॉइंट, कॉमन अक्रॉस ऑल द फोर सेक्शंस मित्रों, कॉमन अक्रॉस ऑल द फोर सेक्शंस. ओके. लास्ट कॉमन पॉइंट हियर. लास्ट कॉमन पॉइंट सर. व्हाट सर? लिसन, इनकम टैक्स में एक चैप्टर 12 के बारे में आपको बताया था मैंने. बहुत टाइम नहीं हुआ है बता के. चैप्टर 12, व्हाट वाज चैप्टर 12?
special tax rate. Incomes which are not taxed at normal rates, they are taxed at special rates. Special rates. इसकी मैंने आपको सेक्शन नंबर की रेंज भी बताई थी 110 से लगाकर 115 रेंज भी बताई थी यस और नो यस सर यस सर आई डोंट नो वेदर यू हैव नोटिस्ड और ऑब्जर्व्ड आई विल मेक यू डू दैट इधर आइए दिस इज वेयर वी स्टार्टेड टुडे ऑब्जर्व कीजिए न्यू टैक्सेशन रेजिम के चार सेक्शंस अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजी है ये तो BAA, BAB, BAC, BAD ऑब्जर्व कीजिए ये रेंज एंड माय क्वेश्चन इज ओनली दिस मच चेक दीज सेक्शंस एंड चेक द रेंज कैन यू गिव मी अ कंक्लूजन हियर स्पेशल टैक्स विदिन सेम रेंज विदिन सेम चैप्टर न्यू टैक्सेशन रेजिम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 12 डिड यू नोटिस दैट यस 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 और इसीलिए यहां पर एक पॉइंट जब इन्होंने न्यू रेजिम बनाया तो एक पॉइंट स्पेसिफाई किया दे आर सेइंग दैट मान लीजिए कि आप न्यू टैक्सेशन रेजिम लेते सब्जेक्ट टू द पॉइंट्स दैट वी हैव रिटन ऑलरेडी हियर कैन आई से ऑल द फोर सेक्शंस ऑफ न्यू टैक्सेशन रेजिम शैल बी एप्लीकेबल फॉर द रिस्पेक्टिव असेसी बट चैप्टर 12 इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल इवन इन योर न्यू रेजिम लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस अगर आपकी टोटल इनकम में लेट मी एक्सप्लेन यू विल अंडरस्टैंड अगर आपकी टोटल इनकम में ऐसी कोई इनकम है जिसके लिए स्पेशल रेट प्रिस्क्राइब किया गया है से कैजुअल विनिंग्स लॉटरी विनिंग्स जिसके लिए एक स्पेशल रेट दिया है 30% तो सुनिए मित्रों इसका मतलब क्या है मैंने जो लिखा है उसका मतलब क्या है आप अपनी NTTI कंप्यूट कीजिए कैन आई से योर NTTI विल इंक्लूड योर नॉर्मल इनकम एज वेल एज Your casual winnings, because everything is a part of total income. Yes or no? Yes. Split it into two parts. Special income and normal income. Is something that we were doing in old regime also? Yes, sir. Yes, sir. Special income will be taxable at the rates given in chapter 12. जैसे कि casual winning की example लेंगे तो 30%. 30%. या long term capital gain की बात करेंगे तो 20% स्टॉक मार्केट वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट्स और अब बची आपकी नॉर्मल इनकम सुनो मित्रों दिस यू हैव टू डिसाइड यू वांट टू गो इन ओल्ड और न्यू द ऑप्शन ऑफ न्यू टैक्सेशन रेजिम हियर मी आउट प्लीज ऑप्शन ऑफ न्यू टैक्सेशन रेजिम इज ओनली ऑन दिस इनकम इफ एट ऑल योर इनकम कंटेन्स एनी इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट That will continue to apply even in the new taxation regime. मान लीजिए आपकी सैलरी है 5 लाख रुपया और कैजुअल विनिंग्स है 2 लाख रुपया तो टोटल इनकम 7 लाख रुपया हुआ यू हैव द ऑप्शन ऑफ ओल्ड और न्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्टिपुलेटेड हियर यू हैव द ऑप्शन बट सुनिए मित्रों ये ओल्ड और न्यू का ऑप्शन खाली सैलरी के ऊपर है भाड़ में गया ओल्ड और न्यू कैजुअल विनिंग्स विल ऑलवेज बी टैक्सेबल एट 30% ओल्ड ले लो चाहे न्यू ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दैट इज द पॉइंट एफ हैव यू नाउ अंडरस्टूड विद द पॉइंट दैट आई हैव रिटन विद द एग्जांपल दैट आई हैव रिटन और विद आई विद व्हाट आई स्पोक डिड यू अंडरस्टैंड आप ओल्ड लो चाहे न्यू लो दैट ओल्ड और न्यू इज एप्लीकेबल ओनली ऑन योर नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम विल कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड एट सेम रेट स्पेशल रेट दिस इज कॉमन अक्रॉस All four sections, whether company wale BAA, BAB, individual HO wale BAC, and cooperative society wale BAD, the common points are, let me revise them. Charo ke andar rate of tax kam hoga compared to existing. Tax rate kam karne ke liye aapko kya karna hoga sabse pehle? Tax benefit for All four are optional. Yes, sir. If you want them, you have to decide before the due date of return filing. Otherwise, by default, you will be in. Old regime. MAT AMT will not be applicable for any SSE opting for new regime. जो भी आपको लगता है, company को MAT लगता है, दूसरों को AMT लगता है, that respective tax will not be applicable. Lastly, new taxation regime is going to be applicable even in the. Special rate of tax is applicable even in the new taxation regime. Is this clear? Yes, sir. लेकिन इन common points के अलावा,
कुछ डिफरेंसेस भी है ऊपर जो मैंने लिखा है. कैन आई से ये किस में कॉमन है? व्हेन आई एम सेइंग कॉमन मींस 115 बी डबल ए बी ए बी. स्क्रीन आ रहा है ना क्लियरली? यस सर. यस सर. ये चारों में कॉमन है बी डबल ए बी ए बी बी ए सी बी ए डी चारों में कॉमन है. यस और नो? यस सर. यस सर. लेकिन अब कुछ डिफरेंसेस भी है वो भी आपको बता देता हूं. देयर आर सम डिफरेंसेस आल्सो. ये भी बता देता हूं. 115 बी डबल ए इज एप्लीकेबल. खाली इतना बताइए कौन से एसएससी के लिए? डोमेस्टिक कंपनी. बीएबी इज आल्सो फॉर कंपनी. इन दोनों का डिफरेंस दोज हु आर एंग्शियस टू नो. ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ये दूसरों के लिए इतना सा डिफरेंस. बट बोथ आर एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी. एंड बीएडी बताइए. रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी. एंड इनको मैंने इनके सामने ऑपोजिशन में किसको प्लेस कर दिया? बीएसी. मींस ये तीनों में अभी भी वो कॉमन पॉइंट है. ये तीनों अभी भी मर्ज होके रहेंगे. दीज थ्री सेक्शंस आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट द एप्लीकेबल एसएससी. ये जो दो डिफरेंसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं ये डिफरेंस खाली कौन से सेक्शन में है? 115 बीएसी. बीएसी में कुछ अलग लिखा है कंपेयर टू दी अदर थ्री. मतलब एज फार एज दीज सिक्स पॉइंट्स आर कंसर्न दे आर कॉमन इन ऑल फोर सेक्शन. मित्रों ये छह पॉइंट चारों सेक्शन में सेम है लेकिन दो ऐसे पॉइंट है जो बीएसी में अलग है. मतलब इन तीन में तो ये दो पॉइंट भी सेम है. ये तीन में तो ये दो पॉइंट भी सेम है. मतलब एक कंक्लूजन देता हूं अगर आप समझ गए तो मैं फटाफट वो दो पॉइंट. देर आर ओनली टू थिंग्स विच आर एप्लीकेबल इन 115 बीएसी नॉट एप्लीकेबल इन द रिमेनिंग थ्री सेक्शंस. अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग ऑल द सेक्शंस आर सेम. एंड इन फैक्ट द अदर थ्री सेक्शंस आर सेम इन ऑल द एस्पेक्ट्स. देयर इज नो डिफरेंस इन देम एक्सेप्ट द एप्लीकेबल एसएससी. नाउ देन शैल आई टेल यू द टू पॉइंट्स विच आर एप्लीकेबल ओनली फॉर BAC. पहला पॉइंट अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया है इट वॉज ओनली रिक्वायर्ड. ये खाली आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आपने ऑब्जर्व किया तो क्या 115 बी डबल ए में हमने ऐसा लिखा है डोमेस्टिक कंपनी को मिलेगा के खाली कंपनी लिखा है? क्या लिखा है? ऑब्जर्वेशन स्किल्स नथिंग एल्स. डोमेस्टिक कंपनी बी डबल ए में भी लिखा है बी ए बी में भी लिखा है डोमेस्टिक कंपनी. मतलब कैन आई से फॉरेन कंपनीज को ये वाले सेक्शंस नहीं मिलेंगे? इट्स ओनली फॉर डोमेस्टिक कंपनीज. यस यस. लाइकवाइज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे फॉर बी ए डी आई एम सेइंग क्या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के आगे हमने ऐसा वर्ड लिखा है कि रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा? इन फ्रंट ऑफ दीज सेक्शंस वी हैव रिटन द वर्ड ऑब्जर्व प्लीज डोमेस्टिक एंड रेसिडेंट. यस नो? यस यस. बट नाउ ऑब्जर्व 115 बीएसी केयरफुल. इट्स अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्या लिखा है? इंडिविजुअल. चलिए This is what is required in direct tax. जो आपके सामने लिखा है वो तो आपको समझना पड़ेगा. जो नहीं लिखा है वो भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा. इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा है तो क्या रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ को न्यू टैक्सेशन रेजिम मिलेगा? Yes. 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 और अगर नॉन रेजिडेंट हुआ तो मिलेगा बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन स्पेसिफाइड. So did you understand BAC will cover resident, non-resident, both? That's the first difference. BAA, BAB specifies domestic company. BAD specifies resident cooperative society. Lekin BAC mein sirf individual HOF likha hai. In other words, non-resident individual will also be eligible for 115 BAC. Ye difference hai na? ऊपर जो लिखे थे वो सब कॉमन थे. मतलब चारों सेक्शन को अप्लाई करेंगे. ये डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस खाली किस में है? बीएसी में. ऑब्जर्व बाकी तीनों में सेम है. हेलो. यस सर. खाली किधर है?
बीएससी के अंदर. एंड द सेकंड डिफरेंस, दो ही डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस वो भी किसमें डिफरेंस है, बीएससी में, बाकी तीन में सेम है. इन 115 BAA बीएबी कंपनी वाला सेक्शन या बीएडी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला सेक्शन, वंस यू हैव टेकन द ऑप्शन, मतलब आप कहां चले गए, न्यू रेजिम में, याद रहे ऑनर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग करना रहता है. एक बार आपने नया वाला रेजिम ले लिया, आप अपने इस जन्म में इसको वापस कभी चेंज नहीं कर सकते हो. इट इज गोइंग टू बी लाइफ टाइम एप्लीकेबल टू यू, लाइफ टाइम. मतलब एक बार कंपनी 115 BAA में चली गई, वापस कभी भी ओल्ड रेजिम में नहीं आ सकती. बीएबी में चली गई या कोऑपरेटिव सोसाइटी बीएडी में चली गई, वंस दे गो इन न्यू दे कैन नेवर कम बैक इन ओल्ड, कभी नहीं, कभी नहीं लाइफ में. देखो डायरेक्ट टैक्स ना डिफिकल्ट है, बट यू नीड पीपल हु कैन मेक इट इजी फॉर यू. और डायरेक्ट टैक्स को इजी बनाने का एक रास्ता है, एक तरीका है, यू वॉन्ट टू नो दैट? Yes, sir. Yes, sir. Anything yes, sir. that is yes, happening sir. here, उसको अपने लाइफ में ना किसी और स्टोरी से रिलेट कर लो, अपने लाइफ की किसी स्टोरी से रिलेट कर, रिलेट करवा के बताओ, बता दो. सीए में ओल्ड कोर्स आया, न्यू कोर्स आया? Yes, sir. स्टार्टिंग में जो बच्चे ओल्ड कोर्स में रजिस्टर थे उनको ऑप्शन दिया, यू कैन शिफ्ट टू द न्यू कोर्स इफ यू वॉन्ट. Yes. क्या ओल्ड से न्यू में जाना अलाउड है? Yes. Yes, sir. लेकिन आप वापस कभी लाइफ में न्यू से ओल्ड में नहीं जा सकते हो ना. Yes. तो वही yes, तो है, वही तो है. दिस इज नथिंग बट द सीए कोर्स ओनली. ये ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स था और ये ओल्ड रेजिम टू न्यू रेजिम है, इतनी सी तो बात है. यू नीड समवन टू रिलेट डायरेक्ट टैक्स विद योर डेली लाइफ, इट्स नॉट एज डिफिकल्ट. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इन तीन सेक्शन की प्रॉपर्टी, इन तीन सेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है. बट विच सेक्शन इज डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस? बीएससी में ये रूल अलग है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. स्टॉप एक्टिंग लाइक अ कॉपीकैट एंड फुल फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग. अगर आपने फोकस कर लिया तो आप समझ जाओगे क्या हो रहा है लाइफ. फुल फोकस प्लीज. आपको जाके देखना है बीएससी में जो असेसी है. अरे मित्रों बीएससी में असेसी कौन है? इंडिविजुअल. रेसिडेंट के नॉन रेसिडेंट? दोनों. बोथ. चेक करो उस इंडिविजुअल एचयूएफ को पीजीबीपी है या पीजीबीपी नहीं है. मतलब डज दैट इंडिविजुअल एचयूएफ हैव इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन और डज नॉट हैव, इतना चेक करना. Does not have PGBP मतलब कौन से टाइप के लोग हो सकते हैं? Can I say salaried employees will come here? Yes, sir. Yes. Retired pension पे जो रहते हैं, retired people will come here. Yes, sir. Housewives, homemakers जिनको खाली you know FD interest, rental income from property सिर्फ उतना है. PGBP छोड़ के कुछ भी चलेगा. Will come in no PGBP? And if you have PGBP income मतलब you are having business or profession, then you will come here. For people who don't have PGBP, that means salaried employees, example, उनका rule बहुत easy है, बहुत easy है. You can exercise or you can change the option every year. इनका कैसा था? एक बार new ले लिया, फिर old में, life में कभी नहीं आ सकते. इनका कैसा मालूम है? तुमको हर साल ना उस टाइम पे तुमको जो मन है वो करो. कैसे बताओ? मैं सुनो 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 सुनो. करंटली यू आर इन ओल्ड ओल्ड ओल्ड. एक दिन न्यू आया, तुमको अच्छा लगा देख के, यार टैक्स का रेट्स कम हो रहा है, मजा आएगा. तो तुम किधर चला गया? न्यू. अगले साल वापस मन हुआ ओल्ड में आने का. ओल्ड फिर न्यू फिर ओल्ड फिर न्यू 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 ओल्ड 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 न्यू 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 ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू 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 ओल्ड ओल्ड. तुम हर साल चेंज कर सकते हो. यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस. बस याद रहे न्यू वाला चाहिए तो ड्यू डेट के पहले लेना पड़ेगा. ड्यू डेट के पहले नहीं लेते हो न्यू तो बाय डिफॉल्ट क्या लगेगा?
ओल्ड लगेगा. न्यू लेना है तो बिफोर ड्यू डेट डिसाइड करो, और हर साल आपका डिसीजन चेंज हो सकता है. इंडिविजुअल एचओएफ नॉट हैविंग पीजीबी, इनका रूल ऐसा नहीं था ना, इनका रूल अलग था. यही तो डिफरेंस है. ये डिफरेंस बताने के लिए तो ये मैं करवा रहा हूँ, डिफरेंसेस बताने के लिए तो करवा रहा हूँ. इन लोग का रूल क्या है, एक बार न्यू ले लिया हमेशा लाइफ में न्यू ही लगेगा, ओल्ड कभी नहीं आएगा. एंड व्हाट इज द रूल फॉर दिस एसएससी, कैन चेंज एवरी ईयर, एवरी ईयर यू कैन डिसाइड ओल्ड ऑर न्यू. समझा, वापस गा के बताओ, ओल्ड 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 न्यू 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 ओल्ड न्यू ओल्ड ओल्ड न्यू न्यू न्यू. यू अंडरस्टूड ना? यस सर, यस सर. अब इसकी बात, इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड नो, देन ओनली ऑनलाइन लाइफ विल मेक सेंस. अब इसकी बात करते हैं, एसएससी इज हैविंग इनकम अंडर बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन. सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो कि आपको न्यू में जाना है, एक्सरसाइज करना है, अपना ऑप्शन लेना है. ऑप्शन कब लेना पड़ता है? ऑन और बिफोर रिटर्न फाइलिंग, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग. मतलब कहना इसे आप ओल्ड से न्यू, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग बट आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, यू विल अंडरस्टैंड. आपने अगर ऑप्शन एक्सरसाइज किया, दैट मींस कहना इसे आप ओल्ड से न्यू में चले गए. Yes. So currently where are you sitting? New. एक दिन आपका मन हुआ, यार मेरे को न्यू नहीं जम रहा है, यार मैंने कोशिश करके मेरे को नहीं जम रहा है, कैन आई गो बैक टू ओल्ड इज द क्वेश्चन. यार मैंने एक बार न्यू ले लिया, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट आई एम इन न्यू. बट लेटर इफ आई फील I can. पहले तो once I have exercise, can I say I am in new regime? Yes. But later if I want, I can return where? Old regime. इनको तो वो facility नहीं है, इनको वो facility हर साल है. Did you understand these two? ये दोनों easy थे. इनको इनको वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, और इनको वो फैसिलिटी अवेलेबल है वापस ओल्ड में जाने का. एवरी ईयर वो अवेलेबल है. क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, yes, लेकिन अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ. क्या ये लोग न्यू से वापस ओल्ड में आ सकते हैं? Yes. न्यू में जा सकते हैं, न्यू से वापस ओल्ड में भी आ सकते हैं. बट एक बार ओल्ड में आ गए, now 115 BAC will not be available forever. अब आपका न्यू रेजिम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया. बहुत कंफ्यूजिंग है. जा सकते हो, वापस आ भी सकते हो, वापस नहीं जा सकते. क्या बोला? यू कैन गो मित्रों, यू कैन गो, you can come back, but you cannot go again. This is more confusing than demonetization. इतना rupees डाल सकते हो, इतना exchange कर सकते हो, इतना रोज रूल बस. क्या कहे चल रहा है, कहे क्या बोल क्या रहे, सुबह सुबह सकाली सकाली दिमाग खराब कर रहा है. सुनो, relax करो. क्या आपको जब मैंने यहां पे ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स ऑफ सीए बताया तो जल्दी से समझ में आ गया, यू कैन गो टू न्यू बट नेवर गो बैक टू ओल्ड? यस सर, यस. वैसे ही कुछ मैं यहां पे भी कर देता हूं तो आपका काम सेट हो जाए, सेट हो जाए. लास्ट एक डेढ़ साल को छोड़ दीजिए, उसके पहले का जो लाइफ था, जैसे वो हिस्ट्री में पढ़ा था ना, बीसी एंड एडी, 200 BC 200 AD पढ़ा था ना हिस्ट्री में. यस सर, यस सर. तो डेढ़ साल पहले, बीसी मतलब बिफोर कोरोना, कभी कभी परिवार के साथ अम्यूजमेंट पार्क वगैरह, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्पोर्ट्स के मतलब ये जो स्टेडियम्स होते हैं उसमें कभी कोई मैच देखने, पिक्चर मूवी देखने, कुछ एसएल वर्ल्ड इमेजिका वाटर किंगडम ऐसी कोई जगह पे गए हो कभी लाइफ में? कि नहीं सर, बचपन से सीए ही कर रहा हूँ, इसके लिए कहीं जाने को मिलता ही नहीं है. गए ना, टिकट खरीदा था कि चुपके से घुस गए थे? हमने टिकट खरीदा, टिकट खरीदा मतलब आपको उस सिनेमा हॉल में एंट्री मिलता है, उस अम्यूजमेंट पार्क में, उस स्टेडियम में एंट्री मिलता है?
तो आप अंदर जा सकते हो। आपको नहीं पसंद आया या समझ लीजिए मूवी खत्म हो गया, मैच खत्म हो गया, तो आप वापस बाहर आ सकते हो, या आपको पसंद ही नहीं क्यों, बेकार मूवी आधा छोड़ के आ गए, पॉसिबल? प्रेम रतन धन पायो, आप बाहर निकल गए, अब वो टिकट से आप वापस नहीं जा सकते। हेलो, बस वो ही है, यू कैन गो इन ओल्ड, यू कैन गो, यू आर इन ओल्ड, यू कैन गो इन न्यू, यू कैन गो वेर फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, कैन यू कम आउट? Yes. You can't go again. That's the rule for people having PGBP. You can go in new. You can come back to old. But thereafter, new shall be unavailable, inapplicable forever. That's the rule for people having PGBP. Very confusing. ये इसी था. एक बार ले लिया कभी नहीं change हो सकता है. ये भी इसी था. आप कब कब change कर सकते हो इसको? Non PGBP वाले? Every year. Every year. Confusion खाली किसके लिए है? Those who have PGBP. तो अब मैं आपको इनके लिए पूछ रहा हूँ. First question, can people who have PGBP, individual HOF, can they go from old to new regime, 115 BAC? Yes. Not comfortable over there, can they come back to the older regime? Yes. But with an applicable condition, and that applicable condition is going to be? New regime shall not be available forever. Is janam mein to nahi milega wapas. Is this understood? Yes, sir. Ek last point yahan pe hai. वो पॉइंट को बोलता हूँ, फिर अब तक जो भी न्यू टैक्सेशन रेजिम में किया वो रिवाइज करवाता हूँ, फिर हम लोग 115 BAC 115 BAD को राइटिंग में करके खत्म कर लेंगे, ठीक है? एक लास्ट पॉइंट, देयर इज एन इंडिविजुअल HUF हु हैज गॉट PGBP, दैट मींस कैन आई से इसमें फॉल होगा? यस यस सर, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए, कैन वी गो फ्रॉम ओल्ड टू न्यू? यस कैन दैट इंडिविजुअल और HUF रिटर्न from new to old if not comfortable in new? Yes. अब उसको वापस न्यू में जाना है. प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, क्या वो जा सकता है? नहीं. ऑफ कोर्स नहीं, ये क्लियरली इधर लिखा हुआ है ना, नहीं. लेकिन सुनिए, सीए लोग में और बाबा लोग, बाबा लोग पता, यू डोंट नो बाबा लोग, साधु बाबा. Yes. अरे बॉबी देओल का वो वेब सीरीज देखा है, MX प्लेयर, आउट ऑफ ऑल दी OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, वेदर, सोनी लिव और वूट, फ्री वाला एक ही है MX प्लेयर. आश्रम जप नाम बाबा सब जानते हैं, देखा है आश्रम बॉबी देओल का? नो सर, फ्री वाला भी नहीं देखा है? नहीं. नेटफ्लिक्स प्राइम तो चलो पेड वाला है, समझ सकते भाई, नहीं देखा होगा. फ्री वाला भी नहीं देखा है? जप नाम. सीए लोग में और बाबा लोग में एक कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन, देयर इज वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, पीपल विल कम एंड से महाराज उपाय बताइए, रास्ता बताइए, रास्ता बताइए. एज ऑफ नाउ द असेसी हु केम बैक टू ओल्ड, new is not available is what we have concluded. ek bar to new chhod ke wapas old mein aa gaya to is janam mein kabhi bhi wapas new mein nahi ja sakta. Have we drawn that conclusion already? Yes sir. Lekin wo bolta nahi sir, mere ko to new chahiye sir, mere ko new mein jana hai sir, mere ko idea hai, main idea do kya? Yes sir. Ek idea jo badal de aapki duniya, idea ka hi to rupya lagta hai bhai sahab, idea ka hi aap idea dene ka hi charge karoge, लोगों को कंसल्टेंसी देने का ही तो चार्ज करोगे. आइडिया है, आइडिया देता हूं, पसंद आए तो ले लेना. इसको एक बात बोलो, एक काम कर, तू तेरा PGBP बंद कर दे, तेरा जो बिजनेस चल रहा है उसकी प्रोपराइटर तेरे स्पाउस को, वाइफ को बना ले, या घर में किसी और को बना ले, HUF खोल के बना ले, बिजनेस करना बंद कर दे. स्टॉप शोइंग इनकम अंडर विच हेड? PGBP. तब पता है तू कौन बन जाएगा, तब तू ये बन जाएगा. मित्र जाया ये, कोई कोई को पता ही नहीं चला सर ये क्या हो गया सर, अचानक से मालूम ही नहीं पड़ा क्या हुआ. इफ यू स्टॉप हैविंग PGBP यू बिकम अ केस ऑफ नो PGBP, एंड एनी असेसी हु इज अ नो PGBP वाला केस, व्हाट्स द रूल गिवन इन 115 BAC? चेंज एवरी ईयर. नो, फिर तो लेना, ओल्ड ले, न्यू ले, जो लेना है ले. अपने आप को PGBP के ओनर से हटा के, ऑफ कोर्स
तुमको थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। अगर सेटिंग करने के लिए बैठे हो तो फिर सब पेपर वर्क और सब कुछ करना पड़ेगा, और तुमको नहीं जमता है तो हमको बोलो, हमारे पास विजिटिंग कार्ड है सीए का, तुम हमारा कार्ड लेके जाओ, आई विल बी रीजनेबल विद यू। पेपर वर्क करके पहले यू कैन एडमिट द वाइफ एज अ पार्टनर, फिर देन यू रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप, सो देन द वाइफ बिकम्स द प्रोपराइटर, और मे बी आप अलग से प्रोपराइटरशिप फॉर्म खोल दो वाइफ के नाम पे, और अपने सारे सप्लायर्स और कस्टमर्स को बोल दो कि मैंने नया कंपनी खोला है, आज से सारे ऑर्डर्स उस नाम पे होंगे, और अपने आप को बिजनेस वाले नाम से हटा दो, तो तुमको हर साल मिल जाएगा ऑप्शन। फिर पेपर वर्क वगैरह जो करना है उसका करना पड़ेगा, लेकिन रास्ता मैंने निकाल के दिया। सो एक बार आप न्यू में गए, क्या आप वापस ओल्ड में आ सकते हो? यस यस सर। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कैन यू गो बैक टू न्यू? यस नो। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नो नो, बट इफ यू स्टॉप हैविंग इनकम अंडर बिजनेस प्रोफेशन देन यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन एवरी ईयर। Yes. And this is the confusing aspect of 115 BAC. But shall I assume that you have understood, even if it was a confusing aspect of exercising the option of 115 BAC? Yes, sir. Assuming you have understood that you have actually other or you have actually understood. Understood, sir. एक बार याद करते हैं हमने आज का लेक्चर किधर से चालू किया। We started with alternate taxation regime. You can call it new taxation regime. बस यही है क्या? It's no longer new. It is already 1 year old now. और कंपनी वाला तो 2 साल हो गया। कंपनी का 2 सेक्शन B, double A, B, A, B, individual HUF, BSC and cooperative society का BAD. What is common in all the 4 sections? Tax का rates कम होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ tax benefits forego करने पड़ेंगे। ये optional है, और option अगर चाहिए तो before the due date of return filing, नहीं तो by default आप old में रहोगे। MAT AMT, very important secret hidden point, company ka MAT and others ka AMT not applicable if you have taken new regime. Old mein MAT AMT lagta hai, new mein nahi lagta hai. Lekin chapter 12 lagega. Chapter 12 ka special rate, tum old le lo chahe new le lo, that is applicable on your normal income. Special income will be taxable at special rates. Can I say these 6 are common points? Yes. And what are the 2 differences? Yes. Only in 115 BAC. So again, BAA, BAB, BAD are common. BAC ke liye, what is different? पहला पॉइंट, बाकी के 3 में डोमेस्टिक रेसिडेंट लिखा है लेकिन बीएसी में नहीं लिखा है, मतलब बीएसी इज अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ बोथ। एंड दूसरा, बाकी के 3 सेक्शन में एक बार आपने न्यू ले लिया उसके बाद में आप वापस कभी ओल्ड में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, लेकिन बीएसी में बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आप आराम आराम से आंसर दीजिए। अगर पीजीबीपी नहीं है तो इट्स इजी, व्हाट इज द आंसर? एवरी ईयर यू कैन चेंज। Excellent. मुझे इतना ही तो पार्टिसिपेशन चाहिए। Every year you can change. अगर पीजीबीपी है, you can go from old to new. Yes. Yes. You can come back from new to old. Yes. But in this life now you cannot go back to new. New age. Sir, please उपाय बताइए ना सर, please. क्या उपाय है? अगर वापस न्यू में जाने का मन हुआ तो? No PGBP. PGBP. PGBP income बंद हो जाए, तो आपको वो ऑप्शन मिलना चालू हो जाएगा। Is this understood? Yes, तो अब एजेंडा बहुत सेट है हमारे सामने, हमारी लाइफ में हमको सेक्शन 115 बीएसी पढ़ना है। ज्यादातर पॉइंट इसके ऑलरेडी हो चुके, खाली आई जस्ट हैव टू टेल यू व्हाट आर द रेट्स एंड व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स टू बी फॉरगॉन, इतना ही बोलना है। मोस्ट एस्पेक्ट्स आर ऑलरेडी डन। व्हेन आई फिनिश 115 बीएसी देन आई विल डू विद यू 115 BAD, और मेरा इंट्रोडक्शन का चैप्टर यहां पे खत्म हो जाएगा। याद रहे, when I started, at that time itself I told you that these 2 sections I am not teaching you. कौन सा दो? ये वाले सेक्शन में आपको यहां पे नहीं करा रहा हूं। ये 2 सेक्शन कहां पे कराऊंगा? MAT चैप्टर, MAT के चैप्टर में। I told you at the outset, ये तो खाली कुछ कॉमन बातें थी, इसके लिए मुझे आपको कंपेरिजन के लिए लेना पड़ा। Currently my agenda is only to teach you BAC and BAD, with which finally introduction ka chapter khatam hoga. But of course you have to take it very seriously, because every chapter that requires tax calculation you need to have idea about new taxation regime and old taxation regime, both very much relevant to score marks in exam. To chaliye hum log ab very quickly hamara 115 BAC first and then BAD second, very quickly isko khatam karte. Point number 1, मैं आपको ना अब पढ़ा नहीं रहा हूं, इट इज रादर आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस। मैं आपसे पूछ रहा हूं
और आपको आंसर देना है इफ पॉसिबल बिना ऊपर स्क्रॉल किए बिना ऊपर देखे. कैन यू टेल मी हु इज द एलिजिबल असेसी इन 115 बीएससी? क्या इस इंडिविजुअल एचयूएफ के आगे ऐसा कुछ लिखा है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट या ऐसा कुछ? नो, नहीं लिखा है. मतलब ये किसको लगेगा? जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा है ना मित्रों, वो एक्ट में लिखा है. जो मैंने ब्लू, यू कैन आइडेंटिफाई द कलर्स नो, ब्लैक एंड ब्लू ऑन द स्क्रीन. जो मैंने ब्लू में लिखा है, दैट्स नॉट रिटन इन द एक्ट. That is your understanding and my understanding. That if they have not mentioned resident, it means that we will cover both. Because in the other three sections, they have mentioned resident, domestic, etc., etc. Are you following what I am saying? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second point. 115 BAC new taxation regime. Compulsory hai ke optional hai? Optional. पूछ रहा हूँ and I have already told you that ये सब बातें हमारी already discuss हो गई है. It's like a revision that we are doing. Third, how to exercise that option? How to take the option of new taxation regime? Before return filing. On or before return, due date return filing. On or before return, नहीं. On or before due date of return. Of return. क्योंकि आप late file करोगे और आप बोलोगे before return किया, वो नहीं चलेगा. Due date के पहले. Due date of, ऊपर मैंने section number लिखा था, तो अभी मैं आपको section के जगह पे provision बता देता हूँ. Due date of return of income. Income tax return file करने का जो due date है, उसके पहले. कैसे एक्सरसाइज होगा ये भी बता दीजिए. असेसी हु डज नॉट हैव पीजीबीपी, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस, दिस इज लाइक अ रिवीजन, दिस इज अ टेस्ट वेदर यू आर पेइंग अटेंशन इन क्लास. कम ऑन, नो पीजीबीपी, आंसर द क्वेश्चन. एवरी ईयर कैन चेंज एवरी ईयर कैन एक्सरसाइज एवरी ईयर. और जिसका पीजीबीपी है उसका क्या? कैन कैन एक्सरसाइज न्यू. तो अब कहां चले गए? न्यू में. न्यू में कैन रिटर्न टू ओल्ड, बट देन नाउ कैन नॉट एक्सरसाइज न्यू. कैन नॉट एक्सरसाइज 115 बीएससी नॉट एप्लीकेबल लाइफ टाइम फॉर एवर. व्हाट्स द ओनली एक्सेप्शन टू दिस? क्लास में हम आते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग टू क्लास इज टू मेक इट इजी फॉर यू, इसलिए आई सेड स्टॉप पीजीबीपी. दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलिंग स्टूडेंट्स टू क्लासरूम. माय ऑब्जेक्टिव इन लाइफ इज टू मेक टैक्स इजी फॉर यू. इफ आई हैव टू गो इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ इट, दे से एनी एसएससी हु सीजेस टू हैव पीजीबीपी, इंग्लिश टोकता है और कुछ नहीं, इंग्लिश टोका खाली. सीजेस टू हैव पीजीबीपी मींस व्हाट? वो ही ना, नो पीजीबीपी. Stop PGBP मतलब वो no PGBP वाला केस बन जाएगा, and then the option will be available on a year basis. Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. Fourth point is also something that you are aware that ये assessees को AMT alternate minimum tax, जिसको full form याद नहीं है वो लिख लेना, AMT is not applicable. Why I am talking about AMT, not MAT, because MAT companies को लगता है, वो company वाले section. ये assessees को क्या लगता है? AMT. लेकिन न्यू रेजिम में, न्यू रेजिम में एएमटी नहीं लगेगा. कैन आई से दीस आर पॉइंट्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू? यस यस सर. यस सर. अब सिर्फ दो चीज बची. व्हाट आर द ओनली टू थिंग्स लेफ्ट नाउ? टैक्स रेट. टैक्स रेट्स एंड लिस्ट. पॉइंट 5 में तो वी विल डू द रेट्स, जो नए वाले रेजिम में रेट्स है. एंड पॉइंट 6 क्या होगा? व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स टू बी फॉरगॉट. तो पहले हम लोग रेट्स कर लेते. 115 बीएससी न्यू टैक्सेशन रेजिम का रेट्स एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ. नोटिस केयरफुली, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिविजुअल एचयूएफ. दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ. जब हमने ओल्ड टैक्सेशन रेजिम किया था तो क्या इंडिविजुअल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था? यस सर. यस सर. यहाँ पे कोई बाइफर्केशन या ब्रेकअप नहीं है. तुम सीनियर हो, वेरी सीनियर हो, गधेड़ा तुम 150 साल का भी होएगा टॉर्टोइस, तुम कोई भी होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ सबके लिए कॉमन रेट्स है. मतलब एक बात तो मैं अभी बता देता हूं आपको, सीनियर सिटीजन का नुकसान,
सीनियर सिटीजन को नुकसान है क्योंकि वहां पे यू गेट बीइंग अ सीनियर सिटीजन और अ वेरी सीनियर सिटीजन डू यू गेट हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यस सर ओनली इफ यू आर रेजिडेंट बट यू डू गेट नो हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट व्हेन यू आर अ रेजिडेंट यहां पे वो नहीं मिलेगा यहां पे वो नहीं मिलेगा यहां पे सबका रेट सेम है अब मैं आपको वो स्लैब्स दूंगा स्लैब रेट ही है और रेट्स दूंगा आई विल गिव यू द स्लैब्स एंड आई विल गिव यू द रेट्स इन द न्यू टैक्सेशन रेजिम सेक्शन 115 बीएसी पहले 2.5 लाख के ऊपर 0% कैन आई स्टिल कॉल इट द बेसिक एग्जेम्पशन और कैन आई स्टिल से दैट बेसिक एग्जेम्पशन इन ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम देयरफॉर इज सेम 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 बेसिक एग्जेम्पशन विल बी 2,50,000 मतलब एज फार एज द बेसिक एग्जेम्पशन इज कंसर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ उल्टा सीनियर सिटीजन का नुकसान हुआ अभी समझ में आया और इसके आगे निर्मला आंटी ने क्या किया स्लैब्स को 250 से बढ़ाते गए 2.5 लाख बढ़ाते गए 2.5 लाख और रेट को 5% से बढ़ाते गए सर क्या बोल रहे हो सुबह सुबह बताते इजी है रे टेंशन मत ले 2.5 से लगाकर 5 लाख दैट मींस हाउ मच इज द अमाउंट इन द स्लैब 2,50,000 रेट बढ़ जाएगा 5% अगर आप में एक पैसे का अक्कल या कॉमन सेंस है तो यू शुड ऑब्जर्व रियलाइज अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो टू हेल विथ इट बाढ़ में गया डज नॉट मेक एनी डिफरेंस डू यू अंडरस्टैंड ओल्ड में भी यही रेट्स और न्यू में भी यही रेट्स आगे जैसा कि मैंने आपको बोला स्लैब्स कितने के बनाए 2.5 लाख के स्लैब बनाए दैट मींस अगला स्लैब ओल्ड में सीधा 5 से 10 लाख पूरा का पूरा उसमें जा रहा था एक ही स्लैब के अंदर 5 लाख to 10 लाख यस न्यू में 2.5 लाख का स्लैब है पहले एक बात बताइए एंड दिस रिक्वायर्स गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू 5 लाख के बाद में ओल्ड में रेट क्या था 20% लेकिन यहाँ पे डिड आई टेल यू दैट द रेट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग कितना कितना परसेंट से 5% से इंक्रीज 5% इंक्रीज होता जाएगा मतलब स्लैब विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बाय 250 एंड रेट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बाय 5% पहले अब मैं सारे आपको स्लैब्स दे देता हूं लेट मी गिव यू द स्लैब्स एंड देन देयर आफ्टर हम लोग एक्चुअली अगर मुझे खाली स्लैब या रेट देना है ना देन यू नो that is not going to distinguish me from the, then I am same as the others after giving you the slabs we will together discuss ke kya change aayega ek aadmi ki life mein iski wajah se hum log iska impact ko samjhenge mathematics yahan ki samjhenge that will distinguish us you and me from the others pehle fatafat na aapko slabs de deta hu 2.5 lakh se badhte ja raha hai to aap hi batao agla slab 750 se 10 lakh रेट 5% से 15 वेरी गुड नेक्स्ट स्लैब 10 लाख to 12.5 20% नेक्स्ट स्लैब 12.5 to 15 25% एंड फाइनली 15 लाख एक तो 15 लाख मोदी जी का फेवरेट फिगर है तो 15 लाख के बाद 30% जैसे तोतला तिवारी का कैसे 43 लाख था वैसे मोदी जी का 15 लाख फेवरेट फिगर तो 30% दीज आर दी स्लैब्स इन द न्यू टैक्सेशन रेजिम दीज आर दी स्लैब्स इन द न्यू रेजिम अगर आप ऑब्जर्व करोगे केयरफुली आई डोंट नो वेदर यू हैव नोटिस्ड डू यू अंडरस्टैंड के द पहला टू ब्रैकेट्स अगर हम लोग साथ में कंपेयर करें ओल्ड वाले को डू यू अंडरस्टैंड ओल्ड में ये सेम है मतलब ओल्ड ले लो चाहे न्यू ले लो 5 लाख तक की इनकम के ऊपर तो टैक्स लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा सेम रेट से 0% एंड 5% उल्टा सीनियर सिटीजन का लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट आल्सो चलिए क्या आपने ये भी देखा दैट वंस माय इनकम क्रॉसेस 15 लाख रुपीस व्हाट इज द रेट इन द ओल्ड रेजिम आफ्टर 10 लाख इनफैक्ट 30% That means 15 लाख के बाद जितनी भी इनकम है भले 40 लाख 50 लाख के 1 करोड़ 15 लाख के बाद की जो भी अमाउंट है को ओल्ड में भी 30 में जाती है न्यू में भी 30 में जाती है डू यू रियलाइज यहां पे भी कोई चेंज नहीं हुआ यस
yes at all there is any change in the new taxation regime wo ye wala area hai ye wala area 5 lakh se 10 lakh ke beech ka jo yahan pe do slab bane hain 10 and 15 old mein iska kya rate hai 20% 20 aur ye wala jo slab hai 10 lakh se 15 lakh ke beech ke do slab 30% 2.5 lakh ke old mein iska kya rate hai 30% लेकिन न्यू में इसको दो में डिवाइड कर दिया 20 एंड 25 एंड कॉन्सिक्वेंटली दिस इज द इंटरप्रिटेशन ये स्लैब्स तुम जाके लर्न कर लो इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो टू हेल विद इट ये स्लैब्स अगर बताना है तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं लेकिन मुझे आपको इंटरप्रिटेशन बताना है एक असेसी जब न्यू टैक्सेशन रेजिम में जाता है एज अ चार्टेड अकाउंटेंट एज अ टैक्स कंसल्टेंट शुड यू एडवाइस एनीवन टू गो इन द न्यू रेजिम What is the impact? Do you understand? यहाँ पे there will be no impact. Do you understand and agree both? यहाँ पे there will be no impact. Yes. चलिए अब बात करते हैं इन चार की ये चार slabs की one by one. 5 lakh to 750. देखिए हमने old rate और new rate दोनों बाजू बाजू में लिख दिए. तो please be participative. 5 lakh to 750. आप ऐसे 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 करके भी दिखा सकते हो ओल्ड का रेट कितना है 20% रेट कितना है 10% तो सेविंग्स कितना हुआ न्यू में जाने से 10% एंड दैट 10% ऑन व्हाट अमाउंट वी आर सेविंग याद रहे चारों ही ब्रैकेट सारे ही ब्रैकेट 2.5 lakh के सो व्हाट इज आवर सेविंग 20.8 डू यू अंडरस्टैंड 2.5 lakh का 10% मतलब 25,000 रुपया बचाया हमने यहाँ पे एज टैक्स लायबिलिटी 2,50,000 इनटू 20% हैज बिकम 2,50,000 इनटू 10% सो आवर सेविंग्स इज 2,50,000 इनटू 10 दैट इज 25,000 इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड दिस देन प्लीज हेल्प मी विद व्हाट आई एम आस्किंग यू अगला जो स्लैब है 750 to 10 lakh अगेन द अमाउंट इज 250 ओनली ओल्ड में रेट इज 20% and new में rate is 15%. तो कितना percentage wise savings है? 5%. तो कितना rupees wise savings होगा? 12,500. Follow the same system and be a little good student now. अगला वाला slab 10 to 12.5. How much is the savings? Tell me in rupees. 20. Do every analysis in your mind and tell me in rupees. 25,000. 2.5 lakh ka fir ek bar 10%, 30 and 20 ka difference. Yes. And last case of savings. 12,500. 2.5 lakh ka 5%, that is 30 and 25 ka difference. 12,500. Ladies and gentlemen, boys and girls, bas itna sa farak aapke life mein aayega new taxation regime mein jaane ki wajah se. हम जो यहां पे बोले थे याद है न्यू टैक्सेशन रेजिम में रेट्स कम होगा रेट्स कम होगा कम होगा कम होगा रेट्स को कम करने की वजह से मेरी लाइफ में हाईएस्ट टू हाईएस्ट पॉसिबल सेविंग्स मैक्सिमम सेविंग्स ऑफ न्यू टैक्सेशन रेजिम मैक्सिमम पॉसिबल सेविंग्स विल बी रुपीज 75,000 75 से एक रुपया एक्स्ट्रा नहीं बच सकता इग्नोरिंग एजुकेशन सेस ऑफकोर्स Highest savings for any SSE going in new taxation regime is going to be 75,000 rupees. The maximum tax that an SSE can save by going in the new taxation regime is going to be 75,000 rupees. क्यों? Did you understand? यहाँ पे कोई change नहीं है यहाँ पे कोई change नहीं है अगर change है तो खाली इतने portion में और वो कितना change है वो भी हमने slab by slab compute कर लिया Yes, sir. और अगर आपको एक और चीज में आपको ये भी आपको काम आएगा एग्जाम में आपको याद है ओल्ड रेजिम में 10 लाख रुपए तक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी आती थी और कैटेगरी ए 1,12,500 और कैटेगरी बी 1,10,000 और कैटेगरी सी 1,10,000 एक बार ना हम लोग वो भी कंप्यूट कर लेते हैं फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स बस याद रहे कि यहाँ पे जो फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स है वो 10 लाख के फिगर पे नहीं होगा वो 15 लाख पे होगा बिकॉज़ आफ्टर 15 लाख एवरीथिंग गोज इन 30 सो लिसन 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 वी विल टेक द टोटल इनकम ऑन आवर कैलकुलेटर दिस टाइम वी विल सबट्रैक्ट 15 लाख एंड अप्लाई 30% जैसे लास्ट टाइम हम लोग कितना सबट्रैक्ट करके 30% लगा रहे थे
10 lakh यहाँ पे 15 लाख माइनस होगा और 30 लगेगा और बाकी का जो फिक्स टैक्स है जो 1,12,500 या 1,10,000 या 1 lakh था वो यहाँ पे कितना आता है ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज स्लैब का जो अमाउंट है उस पे जो स्लैब की रेट है वो जल्दी जल्दी लगानी है जल्दी जल्दी अगर आप बताओगे तो कैन यू टेल मी एक एक करके जैसे 250 का 0% इज जीरो वैसे ही बताते जाओ ना हर एक स्लैब में कितना कितना टैक्स आ रहा है एक बच्चा बोल रहा है बाकी सबने उसको पगार दिया ठीक है एक बात बता देता हूँ ऐसे ही वो बच्चे होते हैं जिनको दूसरों से ज्यादा मार्क्स आते हैं बोलते जाओ जो भी बोल रहा है प्लीज 50,000 एक बात बताओ क्या एक सेकंड सुनो If you have little match in your brain, no? 12,500 बढ़ते जा रहे हैं. How, sir? 2.5 lakh is the amount in this slab, and rate is continuously increasing by 5% मतलब amount wise 12,500 बढ़ते जाएगा. And that's 60 to 500 in this bracket. And therefore, 15 lakh की amount के ऊपर, how much is the fixed amount of tax liability? 30% नहीं नहीं आफ्टर 15 लाख नहीं पूछ रहा हूँ एट 15 लाख 1,87,500 अरे यार मैं आपको ये क्या करवा रहा हूँ आप समझे नहीं शायद ओल्ड रेजिम में 10 लाख तक वो फिक्स अमाउंट होती है ना 1,12,500 1,10,000 न्यू रेजिम में 62,500 न्यू रेजिम में वो 15 लाख के ऊपर फिक्स अमाउंट होगी क्योंकि 15 के बाद एवरीथिंग इज गोइंग इन 30 Yes, sir. तो वो 15 लाख के ऊपर फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आ रहा है मैं आपको वो समझा रहा हूँ हाउ मच इज द फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स 187,500 कहने का मतलब सपोजिंगली एनटीटी ऑफ एन एसएससी 25 लाख रुपीस व्हाट इज द नेट इनकम ऑफ द एसएससी 25 लाख अगर आपको टैक्स करने के लिए बोले आप ओल्ड रेजिम में कैसे करोगे 15 लाख का 30% प्लस 1,12,500 नो Yes. लेकिन यहाँ पे अगर आपको न्यू रेजिम में बोलेगा 25 लाख ये 25 लाख के ऊपर करने को तो आप क्या करोगे 15 लाख तक फिक्स है 187,500 और फिर 10 लाख के ऊपर 30% कैलकुलेट करो मतलब दिस टाइम टिल 15 लाख अवर टैक्स लायबिलिटी इज गोइंग टू बी फिक्स्ड हैव यू अंडरस्टूड द मैथ्स हियर यस एंड न्यू में जाने से सेविंग्स कितनी होती है 75,000 एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का प्रूफ करूं 75,000 फॉर दैट यू हैव टू बी रियली इंटेलिजेंट एंड पार्टिसिपेटिव एंड फोकस ऑन व्हाट आई एम आस्किंग फोकस ऑन व्हाट आई एम आस्किंग एट इनकम लेवल ऑफ एग्जैक्ट 15 लाख रुपीस 15 लाख व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी इन द न्यू रेजिम 187,500 अगर मैं आपको 15 लाख पे ओल्ड के हिसाब से करने का बोलूं तो ओल्ड में तो 10 लाख तक फिक्स होता है ना 1,12,500 बाकी के 5 लाख पे क्या रेट लगेगी 30% एट 15 लाख आप मेरे को ओल्ड के हिसाब से करके दो न्यू के हिसाब से तो आ गया ये रहा 187,500 ओल्ड के हिसाब से 15 लाख पे कितना टैक्स 262,500 डू यू गेट दिस 5 लाख का 30% यस प्लस 1,12,500 वेरीफाई किया 262 यस टिडिंग 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 चेक कर लो नहीं सर 75,000 डिफरेंस 75,000 और वो ये रहा कैसे आया वो ये रहा ये है जादू द जादू ऑफ मैथ्स और सुनो जिसको लाइफ में ये सब नहीं जमता है ना तुम एक काम करो इधर वाला पोर्शन काट दो तुम रिलैक्स करके रहो लाइफ में इतना कर लो स्लैब्स एंड रेट समझ में आ गया अगर ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ सीए बनाना होगा तो मैं खाली इतना कराऊंगा समझ लो वाउ व्हाट हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स व्हाट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स इफ आई हैव टू मेक यू ओनली अ सीए
these are the slabs, these are the rates, go enjoy yourself. But if you want to distinguish yourself from the others, have you understood this portion? This portion. Yes. The yes. comparison between old and new. Yes. And also, aaj ke baad hamara tax calculation kitna convenient rehne wala hai. In new regime also, till 15 lakh rupees, what is the amount of tax? 30% मजा आया? टैक्स रेट्स एप्लीकेबल फॉर दी न्यू रेजिम. जस्ट अ रिमाइंडर, भले मैंने आपको स्लैब्स दे दिया, स्लैब्स दिया ना 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, याद रहे कि अगर इसमें कोई चैप्टर 12 की इनकम है तो क्या होगा. चैप्टर 12 इज गोइंग टू ऑलवेज अप्लाई. चैप्टर 12 ओल्ड में न्यू में सब में लगता है. ये ऑप्शन किस पे मिलता है? ओल्ड के न्यू, ओल्ड के न्यू, ओल्ड के न्यू, ये ऑप्शन किस पे मिलता है? नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम पे. तो अगर कोई स्पेशल इनकम है तो वो तो लगेगा. विद दिस कैन आई से वी हैव कैलकुलेटेड द बेसिक टैक्स एज पर द न्यू रेजिम? बेसिक टैक्स कैन नेवर फिनिश टैक्स कैलकुलेशन. आफ्टर बेसिक टैक्स वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट थ्री मोर थिंग्स, थ्री मोर कॉन्सेप्ट्स. रिबेट सरचार्ज सेस. रिबेट सरचार्ज ये चीज़ एक एक करके बात करते हैं. पहले बात करते हैं रिबेट का. रिबेट का आपको कंडीशंस याद है? Yes. नहीं बोलना है, कंडीशन बोलना है. रेसिडेंशियल, इंडिविजुअल, रेसिडेंट, इंडिविजुअल, रेसिडेंट, इंडिविजुअल फ्रॉम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख. इक्वल टू 5 लाख आल्सो कवर. एब्सोल्युटली सेम. रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम अप टू 5 लाख. न्यू टैक्सेशन रेजिम में नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल आते हैं लेकिन उनको रिबेट नहीं मिलेगा. रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम. एक बात बताओ क्या, दिस इज ओनली अ फॉर्मेलिटी दैट वी हैव डन. ठीक है, रिबेट के कंडीशंस भी सेम एंड क्वांटम इज आल्सो सेम. व्हाट इज द क्वांटम ऑफ रिबेट? एक्चुअल टैक्स ऑन 12,500 व्हिच इज लोअर. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द कंडीशंस ऑफ रिबेट यू विल रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर रिबेट द इनकम ऑफ द एसएससी कैनॉट बी 5 लाख एंड 1 रुपी. यस इट हैज टू बी 5 लाख और लेस. एंड नाउ कम एंड ऑब्जर्व हियर, इफ the income of the assessee is up to rupees 5 lakh, that means you fall in a category like this. You cannot be falling in these at all because anybody falling here is definitely ineligible for rebate. Yes. So, jo assessee itne portion mein aata hai na bachcho, meri baat suno, wo assessee ko main kabhi new taxation regime mein jaane hi nahi dunga. Agar mera client hai to. Jaane hi nahi dunga. Pata hai kyun? Old le le chahe new le le. तुझे पता है तेरी रेट सेम रहेगी, तेरा टैक्स सेम रहेगा. इनफैक्ट यू डोंट इवन हैव टू फॉरगो एनी टैक्स बेनिफिट इफ यू स्टे इन ओल्ड. एनी असेसी हैविंग इनकम अप टू रुपीज 5 लाख, माय एडवाइस स्टे इन द ओल्ड रेजिम बिकॉज इवन इफ यू गो इन न्यू योर टैक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज. देन व्हाई अननेसेसरीली फॉरगो द टैक्स बेनिफिट्स? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? It's a mere formality that we have written rebate same. But people who fall in rebate are actually people who will never go in new regime. They will stay, they will remain in the old regime. They will not prefer to go in the new regime because it is in fact disadvantageous for them. They have to forego tax benefits without any tax savings. Up to 5 lakh, the rates are same. Did you understand the logic? Yes, sir. Yes, sir. And what are the other two concepts? Surcharge and HSC. Surcharge. ये भी same है. मतलब surcharge की अगर बात करूँ, तो after 50 lakh, 10%. After 1 crore, 15. After 2 crore, 25. After 5 crore, 37. याद रहे, individual HUF है ना, तो surcharge के rates individual HUF वाले 10, 15, 25, 37. Then 25 and 37 are not applicable on four incomes. Do you remember that concept of marginal relief? Do you remember that? Yes, sir. So all that is going to be applicable here. All that is going to be applicable. And what about HEC? HEC में तो ना income देखना होता है, कुछ भी नहीं देखना होता है. Do you remember HEC is 4% under all circumstances? Yes. Yes, sir. खाली एक बात याद रहे. That भले हमने सरचार्ज सेम बोला है
But the NTTI that you compute should be as per 115 BAC. What is the difference in the old regime and new regime as far as your income is concerned? New regime ke andar aapko tax benefits forego karna padega. Matlab income in new regime will be higher than the income in old regime? Yes. This is something that you need to understand this line. Income in new regime will be higher than income in old regime. Sir, why? Because in new regime, we are going to forego tax benefits. Wo last point bacha hai yahan pe. In new regime, we are going to forego tax benefits. Yaad hai ke bhul gaye? Yaad hai. Na? To, agar humko tax benefits forego karna hai, to income badhega. To it is possible ke old regime mein aapki income 40 lakh hai and new regime mein aapki income 60 lakh hai. Is it possible? Yes. ओल्ड रेजिम में तो आप सरचार्ज नहीं करोगे क्योंकि इनकम 40 लाख है, लेकिन न्यू रेजिम में आपको सरचार्ज करना पड़ेगा क्योंकि वो इनकम 60 लाख है. रेट सेम है, तो इफ इट इज 60 लाख यू विल अप्लाई 10%, इफ इट इज 1 करोड़ 20 लाख यू विल अप्लाई 15%, 2 करोड़ 40 लाख यू विल अप्लाई 25%, 5 करोड़ 80 लाख यू विल अप्लाई 37%. मगर जो इनकम चेक की जाएगी वो इनकम विल बी चेक्ड एज पर द न्यू टैक्सेशन रेजिम. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम इन ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम? न्यू रेजिम में वी फॉरगो टैक्स बेनिफिट्स एंड देयरफॉर इनकम विल बी हायर देन द ओल्ड रेजिम. ये लाइन समझा क्या मैंने जो लिखा है वो एनटीटीआई एज पर 115? तो खाली सरचार्ज का एरो बना के क्यों लिखा है? एचईसी में क्यों नहीं लिखा ऐसा? एचईसी तो सब पे लगता है. खाली जो अमाउंट ऑफ इनकम जिसको देख के आप सरचार्ज का रेट डिसाइड करते हो वो अमाउंट ऑफ इनकम एज पर न्यू टैक्सेशन रेजिम होना चाहिए. समझा क्या? Yes. Yes, sir. With this, we are left with, ladies and gentlemen, the last thing. In 115 BAC. और अगर 115 BAC खत्म हो जाता है, let me be honest, 115 BAD is very small. It won't take more than 5-7 minutes to get done. लेकिन अभी एक बहुत बड़ा aspect 115 BAC का बाकी है. Tell me, ये पांचवा point था, rates. Rates समझा क्या आपको? Yes. Clear, sir. What is the last point that is remaining? एक ही चीज बची है. Tax benefits to be foregone. अगर आपको नया वाला रेजिम चाहिए तो आपको सर्टन टैक्स बेनिफिट्स छोड़ना पड़ेगा. सर्टन टैक्स बेनिफिट्स यू विल हैव टू फोरगो. और ये कितना लंबा लिस्ट है? 20 पॉइंट्स. जो लोग बच्चे भी अपने हैंड रिटन बुक साइमल्टेनियसली बना रहे हैं वो यहां पर 20 पॉइंट लिखने के लिए कुछ अबाउट 25 से 30 लाइन आप छोड़ दीजिए. पॉइंट भले 20 है लेकिन लिखने के लिए 30 लाइन लगेगा. 30 लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि आपको इसको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से यहां पर टेक डाउन करना. Did I tell you when I spoke a little about new taxation regime? Did I tell you that आप कितना भी try कर लो ये 20 point आपको अभी समझ में नहीं आएगा. Because these are not just points, these are sections of our other chapters. There are about 6-7 deductions in PGBP chapter. What does a deduction do to our income? Reduces the income. Decreases our income? Yes. वो डिडक्शन आपको छोड़ना है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक डिडक्शन है जो आपको छोड़ना है. सैलरी के कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शन है जो आपको छोड़ना है. हाउस प्रॉपर्टी का एक डिडक्शन है जो आपको छोड़ना है. एक क्लबिंग का है, एक सेट ऑफ का है, दो आईएफओएस के हैं. ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये हमारे आने वाले चैप्टर के सेक्शंस है. जब तक वो चैप्टर नहीं कराऊंगा पीजीबीपी आईएफओएस क्लबिंग सेट ऑफ, आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू डू आईपीसीसी पोर्शन ऑल्सो. Is why we are going to take longer than other coaching classes to complete direct tax. दूसरों का जल्दी होता है, हमको ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम इंटरमीडिएट का पोर्शन भी करते हैं. और आपने प्रॉमिस किया है
कि आप वो वाला पोर्शन भी अटेंड करोगे इन योर ओन इंटरेस्ट. जैसे जैसे हम वो चैप्टर करेंगे वैसे वैसे आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे. आपको रट्टा नहीं मारना है, खाली हैंड रिटन बुक बनाने के लिए आपको यहाँ पे वो लिखना है. आप उसके लिए खाली जगह छोड़ना. आई एम गोइंग टू टेक यू टू द बुक एंड डायरेक्टली टेल यू वॉट आर द 20 टैक्स बेनिफिट्स दैट एन असेसी हैज टू फॉरगो इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर वॉट. What are the 20 tax benefits that assessee has to forego in order to be eligible for? New tax regime. और वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से एक एक करके आपको ये लिस्ट लर्न नहीं करनी. यू डोंट हैव टू लर्न द लिस्ट. लेट मी बी वेरी क्लियर. आपको खाली सम सॉल्व करने में ध्यान रखना है. इसमें से अगर कुछ आया तो ओल्ड में डिडक्शन मिलेगा, नए में नहीं मिलेगा. Old regime you take the deduction, new regime you don't take the deduction. इतना सा है. This is our section 115 BAC. देखिए, starting का point तो हमने already discuss कर लिया. That's a new taxation regime. Did we discuss the rates also? Yes, sir. हमने भी यही लिखा है. Did we discuss that surcharge, HEC and chapter 12 were applicable to these assessees? But alternate minimum tax is not going to be applicable. Did we discuss this? Yes. Did we discuss about the option that you have to exercise on or before the due date of return filing? जिसका पीजीबीपी नहीं होता है अवेलेबल ऑन ईयर बेसिस. पीजीबीपी होता है, एक बार ले सकते हो, एक बार छोड़ सकते हो. छोड़ दिया तो वापस नहीं मिल सकता. लेकिन अगर आपने बिजनेस छोड़ दिया तो फिर आप यहाँ पे आ जाओगे. डिड वी डिस्कस एंड राइट दिस? यही वो लिस्ट है टैक्स बेनिफिट्स टू बी फोरगोन. आपको चाहिए तो मैं बाद में आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा. ये 25 पॉइंट आपको 20 पॉइंट ऐसे के ऐसे आपको वहां पे कॉपी करने. इफ यू वॉन्ट योर हैंड रिटन नोट टू बी कंप्लीटेड विद इन क्लास इट सेल्फ यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस फ्रॉम दिस लिस्ट. सो व्हेन वी विल टेक स्क्रीनशॉट्स एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको इसका भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा. व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स टू बी फोरगोन एक एक करके टू द एक्सटेंट पॉसिबल आई विल एक्सप्लेन. ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा चुके ये 20 है तुम कॉपी करके लिख दो. टू द एक्सटेंट पॉसिबल बट गिव योर सेल्फ द बेनिफिट ऑफ डाउट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट ऑल टूगेदर. बिकॉज मैं खुद बता रहा हूं ये सिर्फ सेक्शंस नहीं है, ये आने वाले चैप्टर्स है. तो जैसे जैसे वो चैप्टर होगा वैसे वैसे आपको ये सेक्शंस एक एक करके आ जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. सबसे पहला सेक्शन 10. सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स द मोमेंट यू कम अक्रॉस सेक्शन 10 एज एन असेसी नाचो. यू नो व्हाट इज सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स? एग्जेम्प्शन. इनकम्स नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम एग्जेम्प्ट इनकम. मालूम है ना? सेक्शन 10 के क्लॉज 5 में एक एग्जेम्पशन मिलता है लीव ट्रैवल अलाउंस. जब भी आप अपनी फैमिली को लेके छुट्टी पे जा रहे हो तो आपका बॉस आपको कुछ पैसा देगा छुट्टी के लिए. तो उस पैसे से आप क्या करोगे? ट्रेन का टिकट या एयर का टिकट या बस टिकट डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप वो टिकट लोगे. तो जो बॉस ने आपको पैसा दिया या जो टिकट का आपका खर्चा हुआ विच एवर इज लोअर वो आपको एग्जेम्पशन होगा. कोई भी एग्जेम्पशन जब हम लेते हैं व्हाट डज इट डू टू आवर इनकम? रिड्यूसेस. व्हाट डू यू वांट मी टू डू? यू वांट मी टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट? बिकॉज़ अब है ना ये यू आर दिस इज इनडिसिप्लिन डियर स्टूडेंट्स. लेक्चर चालू हुआ एंड दैट टाइम देयर आर 50% स्टूडेंट्स हु हैव केप्ट देयर वीडियो ऑन. जैसे जैसे लेक्चर प्रोग्रेस होता है एक एक करके आप बंद करते जाते हो. आप बोलते हो कोई नहीं चालू करता है. यही वो रीजन है जब सबके लिए मैंडेटरी करना पड़ता है. क्योंकि दो ने बंद रखा तो दो को देख के बाकी के लोग भी बंद कर देते. एंड रूल हैज टू बी सेम फॉर एवरीवन. सो आई कैनॉट टॉलरेट दिस एक्सेप्ट अगर आपका कोई एक दो मिनट का इमरजेंसी या कुछ है तो आप दो मिनट के लिए बंद करो वापस आके चालू करो. दो पांच मिनट होगा तो आई विल नॉट से एनीथिंग. बट इफ दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दिस देन आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ. Everybody has to keep on and anybody who is keeping off, फिर मैं निकाल दूंगा आपको क्लास में से. I will not let you attend. I need participation. क्योंकि तुम increase, decrease जितना भी नहीं, तुमको खाली इतना इशारा करके बोलना है मैं आगे जा सकता हूँ. It is disturbing my flow. And therefore, rules are rules and they have to be complied by everyone. Take this very seriously, please. Very seriously. क्योंकि introduction खत्म हो रहा है. Direct tax बहुत बड़ा difficult, बहुत बड़ा chapter, बहुत बड़ा subject और difficult subject है. और अगर मैं एक बच्चे को अलाउ करूं तो मेरे को सबको अलाउ करना पड़ेगा. सो प्लीज बी अ लिटिल सिंसियर. एज अ टीचर इट इज नॉट सेंसिबल दैट आई हैव टू रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन. एंड यू ऑल आर मैच्योर्ड इनफ के दूध पीते बच्चे ने स्कूल का लास्ट क्लास नहीं चल रहा है.
स्कूल वाले जो ऑनलाइन पढ़ते कुछ नहीं पढ़ते, घर पे देखता हूँ मेरे सब कजिन्स को, ऑडियो वीडियो ऑफ करके मोबाइल में गेम खेलते हैं वो लोग, पेरेंट्स को बोलते क्लास चल रहा है बाजू में गेम चल रहा है। तुमको ऐसा, तुम सीए फाइनल के बाद तुम ऐसा करोगे क्या? सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ एंड आंसर व्हाट आई एम आस्किंग यू। व्हेन यू टेक एनी एग्जेम्पशन व्हाट हैपेंस टू योर इनकम? रिड्यूस। टेक दैट एग्जेम्पशन एंड पे टैक्स एज पर ओल्ड रेट्स, लीव दैट एग्जेम्पशन, देन यू कैन पे टैक्स एज पर न्यू रेट्स। दैट इज द लिस्ट दैट वी आर डूइंग। पहला एग्जेम्पशन 10-5 वाला एग्जेम्पशन। सेकंड, हाउस रेंट अलाउंस। जब भी आपके पास घर का भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं है तो आपका बॉस आपको पैसा देगा, ये ले बेटा इस पैसे से भाड़े पे घर ले ले। इन अ सिटी लाइक मुंबई हाउसिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपके पास घर नहीं है, आप फुटपाथ पे सोओगे तो बड़े बड़े फिल्म स्टार आपको आके मार के जाएंगे, यस और नो? Yes, तो आपके बॉस ने आपको पैसा दिया, उस पैसे से आप भाड़ा भर रहे हो, दैट पैसा इज कॉल्ड व्हाट? हाउस रेंट अलाउंस। जब वो बॉस आपको पैसा देता है उसमें एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है, ध्यान से सुनना वो एग्जेम्पशन क्या है। एक्चुअल एचआर रिसीव या 50% ऑफ सैलरी इन मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई, 40% ऑफ सैलरी इन अदर सिटीज, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर तीन में से, वो आपका एग्जेम्पशन है। वो एग्जेम्पशन को लोगे तो इनकम कम होगा, पे टैक्स एज पर ओल्ड। यहां पे आपको खाली इतना समझना है कि इफ यू टेक दिस एग्जेम्पशन देन यू विल गो इन ओल्ड, एंड इफ यू डोंट टेक दिस एग्जेम्पशन देन यू विल गो इन न्यू। दैट्स द ओनली थिंग, डोंट फॉरगेट द हेडिंग दैट इज रिटन ओवर हियर, टैक्स बेनिफिट्स दैट यू हैव टू फॉरगो इन ऑर्डर टू अवेल द ऑप्शन। तो ये जितनी भी चीजें यहां पे दी है ये इनकम टैक्स के अंदर दिए हुए टैक्स के बेनिफिट्स है मित्रों। Yes, जो भी यहाँ पे लिखा है ये इनकम टैक्स के अंदर के टैक्स के बेनिफिट है, और ये बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे। टेल मी व्हेन यू हैव टू लीव देम? ऑप्टिंग बस आपको फिलहाल उतना समझना है, बिकॉज इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट दीज इंडिविजुअल सेक्शंस यू मे नॉट अंडरस्टैंड, दे आर नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर एनीवेज, दे आर अपकमिंग चैप्टर्स। सेक्शन 10-14 के अंदर एम्प्लॉइज को कुछ अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलता है, आई विल टेल यू सम ऑफ देम, खाली सुनो सुन के समझ जाओगे। When your boss gives you children education allowance, 100 rupees per month का exemption मिलता है for maximum 2 children. If your boss is giving you children hostel allowance, 300 rupees per month का exemption मिलता है, again maximum 2 children. अगर आपका बॉस आपको दे रहा है ट्राइबल एरिया अलावेंस, 200 rupees per month का एक exemption मिलता है मैक्सिमम। ऑफकोर्स वो मैक्सिमम है, बॉस ने अगर आपको दिया ही 50 रुपया महीने का तो 50 मिलेगा, और बॉस ने 250 दिया है तो 200 देगा, मींस एक्चुअल अमाउंट और 200 पर मंथ, व्हिच एवर इज लोअर, ये सब मैक्सिमम अमाउंट्स है। अगर आपके बॉस ने आपको दिया है ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो देयर इज एन एग्जेम्पशन ऑफ 1600 रुपीस पर मंथ फॉर नॉर्मल एम्प्लॉइज, एंड इफ यू आर अ डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, जिसके लिए मोदी जी ने एक वर्ड बनाया दिव्यांग एम्प्लॉय, तो उनका एग्जेम्पशन डबल है, उनके लिए महीने का एग्जेम्पशन इज 3200। व्हाट इज द एग्जेम्पशन फॉर नॉर्मल एम्प्लॉइज? 1600 rupees per month. And what is the exemption for Divyang employees? 3200 rupees per month. Of course, this is maximum. Hai. So if the boss is giving you 1000, your exemption will be 1000. If the boss is giving you 5000 per month, then that 5000 will be restricted to 1600 or 3200 depending upon who the employee is. These are exemptions which are available in section 10-14. Certain exempt allowances. Ye aapko chhodne padenge. Yaad rahe. In every point that is written in this list, what is common? It's a tax benefit that you are getting in old regime and you have to forego in the new regime. Yeah. New regime. So these exempt allowances you will have to forego. Lekin isme kuch exception diye. Matlab, ye wale exemption aap old mein aur new mein bhi le sakte ho. These are allowed even in new. Iske liye inko kya bolte hai? एक्सेप्शन। 10-14 के exemptions आपको न्यू वाले रेजिम में नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाले मिलेंगे। कौन से? फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर दिव्यांग एम्प्लॉय। नॉर्मल एम्प्लॉयज का कितना एग्जेम्पशन? 1600 1600
3200 नॉर्मल एम्प्लॉइज को ओल्ड रेजिम में 1600 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है, न्यू में छोड़ना पड़ेगा, करेक्ट है? दैट्स द पॉइंट. दिव्यांग एम्प्लॉइज को ओल्ड में भी मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एन एक्सेप्शन, दैट दिस इज गोइंग टू बी अलाउड इवन इन द न्यू रेजिम. सेकेंड, कन्वेयंस अलावेंस फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटीज. इफ यू आर अ सीए आर्टिकल एंड यू डोंट नो व्हाट इज कन्वेयंस अलावेंस, देन यू आर अ डमी आर्टिकल. अगर आपने एक बार लाइफ में ऐसा नहीं किया, हम लोगों के टाइम पे आर्टिकलशिप होता था मरीन लाइन्स में. मैं आई टोल्ड यू नो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन साउथ मुंबई, घर स्कूल कॉलेज ऑफिस सब कुछ मरीन लाइन्स में. मैं कभी बांद्रा के आगे नहीं गया, बांद्रा टू बी स्पेसिफिक. आर्टिकलशिप में बॉस किधर किधर भेजते थे, दहीसर, घोड़ बंदर, साकी नाका, नाम भी नहीं सुने थे कभी. बचपन से साउथ मुंबई में रहा. Of course, now I am traveling everywhere. My geographical boundaries have expanded. लेकिन उस जमाने में नाम भी नहीं पता. बहुत समझाते थे कि मरीन लाइन से ये ट्रेन लेगा, इस स्टेशन पे उतरना, इस साइड बाहर निकलना. ईस्ट वेस्ट भी नहीं पता था. बोलते थे इस साइड बाहर निकलना, बाहर निकलेगा तो वहां पे तेरे को ये बस मिलेगी, और अगर बहुत लंबी लाइन हो तो रिक्शा कर लेना, कोई बात नहीं. कन्वेंस मालूम है ना आपको? Yes, तो जाने के टाइम पे एक्चुअली क्या है, वो सुबह सुबह का टाइम होता था और ऑलरेडी लेट हो रहा होता था, तो आई यूज टू टेक द रिक्शा. एंड ऑफकोर्स जितना भी रिक्शा का, क्योंकि तभी मुंबई का वो मेट्रो नहीं था जो अंधेरी से साकी नाका लेके जाता. मेट्रो वॉज नॉट देयर इन माई आर्टिकल से, इट वॉज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन एंड बहुत ट्रैफिक जाम होता था. तो रिक्शा शाम के टाइम पे क्या है, कुछ जल्दी तो होती नहीं थी घर पे जाने की. ऑफिस का काम खत्म हुआ, हाईवे के ऊपर आए, बस स्टॉप पे एक मिनट वेट किया, बस आया, कूद गए अंदर. बिकॉज लोकल ट्रेन का ट्रेवल उतना नहीं किया था, लेकिन घर से स्कूल जाने के लिए वो जो बेस्ट की बसेस आती है उसमें बहुत ट्रेवल, जंपिंग करना और कूदना वो आता था. कूद गया अंदर, लेकिन वाउचर किसका बना के दिया महीने के एंड पे, सुबह का और शाम का दोनों का? यू हैव नॉट डन दिस वंस इन योर लाइफ, देन यू हैव नॉट लिव्ड योर आर्टिकलशिप. मतलब देयर इज सम डिफेक्ट इन योर आर्टिकलशिप, यू नीड टू डू इट अगेन. अगर आपने ऐसा नहीं, अभी चल रही है आर्टिकलशिप तो कर लेना एक बार, ओके? उन्होंने आपको बहुत घिसा है साबुन की तरह दोनों साइड से, आप भी घिस लो थोड़ा. प्रिंटर विंटर वापरने का आइडिया दिया ना आपको मैंने, तो सुनिए सुनिए. बॉस ने आपको दिया 10,000 रुपया कन्वेंस, उसमें आपका ऑफिस के काम के लिए 8,000 रुपया खर्चा हो गया, दैट इज एग्जेम्प्ट. और 2,000 जो आपने जेब में बचा लिया, दैट इज टैक्सेबल. व्हाट इज द एग्जेम्पशन हियर? द अमाउंट स्पेंट फॉर ऑफिस वर्क इज एग्जेम्प्ट. And that exemption will be available in new regime also. And it's common sense. It's an expenditure that I have incurred. मतलब मेरे जेब में बचा प्रॉफिट खाली 2,000 रुपए का है. 8,000 तो मेरा ऑफिस का काम करने में खर्चा हो गया ना. तो वो वाला exemption आपको ओल्ड हो चाहे न्यू हो दोनों में मिलेगा. सो दिव्यांग एम्प्लॉइज का अपना ट्रांसपोर्ट अलावेंस ओल्ड में न्यू में दोनों में मिलेगा. कन्वेंस अलावेंस अगर आप ऑफिस का काम करने के लिए कन्वेंस आपको मिला है तो उसका जो exemption है अप टू द अमाउंट स्पेंड वो आपको ओल्ड में न्यू में. याद रहे ये जो चार पॉइंट यहाँ पे लिखे है ये क्या है? ये एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का मतलब वैसे तो आपको न्यू में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाले चार न्यू में भी मिलेगा. न्यू में भी मिलेगा. समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? कन्वेंस कन्वेंस क्या हुआ वो समझ में आया? Allowance to meet cost of tour transfer. ये वो outstation audit वाले बच्चों के लिए applicable. भेजा है कभी आपके बॉस ने outstation audit पे? नहीं. तो जब भी भेजे, अगर by chance कभी life में offer दिया कि outstation audit पे जाएगा क्या, जाएगी क्या, depend करता है family allow कर रही है नहीं कर रही है, subject to everything. Okay? तो of course train का, hotel का, खाने का सब खर्चा आपको ही देना पड़ेगा ना. अपने आर्टिकल सिर्फ स्टाइपेंड में से नहीं नहीं सर देगा ना सर देते बॉस देगा ना बॉस ही देगा ना वो तो उधर भी वही झोल झाल मारने का ना झोल झोल समझते हो ना बहुत मारा सर जी मैं भी किसको सिखा रहा हूं तो 10 लाख ज्यादा हो गया 1,00,000 का आपको बॉस ने अलावेंस दिया एंड उसमें वो होटल खाना पीना ट्रेन का टिकट सब मिला के 90,000 का आपका खर्चा हो गया. एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट एग्जेम्प्ट. मतलब जो 10,000 आपके पॉकेट में रह गया वो टैक्सेबल है और जो 90,000 खर्चा हो गया वो एग्जेम्प्ट.
वो एग्जेम्पशन आपको ओल्ड में भी मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा, बिकॉज एनीवेज वो तो आपका खर्चा हो गया, आपके पास बचा थोड़ी है. सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन विच विल बी अवेलेबल इवन इन द न्यू रेजिम. एंड फोर्थ, डेली अलाउंस फॉर एबसेंस फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी. सपोजिंगली आप मुंबई में किसी कंपनी के मैनेजर हो और आपके कंपनी ने बोला यार वो अहमदाबाद का मैनेजर के घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको कुछ कोविड हुआ है, वहां पे थोड़ा एम्प्लॉइज प्रॉब्लम चल रहा है, एक 20 दिन के लिए तुझे अहमदाबाद जाना पड़ेगा कंपनी का काम करने, बाद में तू वापस आ जाना. इट्स अ टेम्पररी प्लेसमेंट यू कैन से, एंड इन इमरजेंसी सिचुएशन वी कैन ट्रस्ट ओनली यू. सो प्लीज विल यू. तो एक बात समझिए, अगर आप 20 दिन के लिए अपने घर से दूर जाते, थिंक अबाउट इट, ह्यूमन बॉडी है आपका, जब तक आप घर में हो, ऑफिस से शाम को घर पे आते हो, घर पे आपका खाना पीना एवरीथिंग इज अवेलेबल. लेकिन ये अगर आप किसी दूसरे सिटी में, वेर यू डोंट हैव योर फैमिली और योर होम और योर किचन, तो आपको खाने का पीने का रहने का हर चीज का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा. यू हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड एनीवेयर, इट्स अ टेम्पररी पोस्टिंग अवे फ्रॉम योर नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी. तो आपके जो डे टू डे एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, उसके लिए आपका बॉस आपको एक अलावेंस देगा, उसको क्या बोलेंगे, डेली अलावेंस. इसमें भी वही रूल है, जितना खर्चा हो गया वो एग्जेम्प्ट. तो डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो तीन है, कन्वेयंस, टूर ट्रैवल ट्रांसफर या डेली अलावेंस, इन तीनों में जो खर्चा होता है वही मैं एग्जेम्प्शन लेता हूं. अब खर्चा तो मेरा ओल्ड रेजिम में भी होगा, न्यू रेजिम में भी होगा, एंड देयरफॉर दीज आर गोइंग टू बी अलाउड इवन इन द न्यू रेजिम. इसके अलावा खाली एक जो दिव्यांग एम्प्लॉई है उसको बेनिफिट दिया है बाय अलाउंग दैट ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ 3200 पर मंथ. इन अदर वर्ड्स एंड इन कंक्लूजन, टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड, देयर आर फोर अलाउंसेस जिनका एग्जेम्पशन न्यू रेजिम में मिलेगा. विच आर दोस फोर? दिव्यांग एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्ट, ऑफिस का काम करने का कन्वेंस अलाउंस, टूर ट्रैवल पे ट्रांसफर पे भेजा, या डेली अगर आपको नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से दूर भेजा तो जो भी आपका एग्जेम्पशन मिलता है, ये चार आपको न्यू रेजिम में मिलेगा. एवरीथिंग एल्स यू विल हैव टू फॉरगो, ऑफ कोर्स व्हेन यू गो इन न्यू रेजिम. एंड ऑफ कोर्स अगर आप ओल्ड में रहते हो तो ये सारे ही एग्जेम्पशन मिलेंगे. एवरीथिंग इज अलाउड इन ओल्ड. वेयर डू यू हैव टू फॉरगो टैक्स बेनिफिट्स? थोड़ा बड़ा पॉइंट था, बाकी सब छोटे छोटे पॉइंट थे. 1017, वंस अगेन इट्स अ केस ऑफ एग्जाम इनकम. जो भी एमपी होते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अब हमारे साउथ मुंबई से अगर मैं बात करूं तो एक शिवसेना के नेता है अरविंद सावंत, he is the member of parliament from my area. आपका अपने अपने एरिया का सबको पता होना चाहिए. I think आपके एरिया से it is मनोज कोटक. Yes sir. वही है north east. Yes it is Mr. Manoj Kotak. Yes sir. Earlier it was Kirit Somaiya, but this time it is Mr. Manoj Kotak. That's MP. If I talk about MLA, तो मेरे एरिया से मंगल प्रभात लोढ़ा जी करके, इंडिया के सबसे अमीर रियल एस्टेट डेवलपर, लोढ़ा बिल्डर नाम तो सुना होगा ना. अगर मैं अगेन आपकी आपको पता है कि नहीं, मुझे पता है, ये क्या नाम है उनका, रमेश पुरगांव का? नहीं नहीं, वो कहीं और. आप कहाँ से हो? वही वही एरिया. मुलुंड का मीर कोटेचा है ना? मुलुंड में इट इज मीर कोटेचा. मुलुंड में इट इज, अर्लियर इट वॉज सरदार तारा सिंह. सरदार तारा सिंह पता है ना, मुलुंड में गली गली में उनका. यस सर. गली गली में जिधर जाओगे वही दिखेंगे आपको. ये होते हैं एमएलए. सर व्हाट इज एमपी एमएलए? दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, इनको हमने वोट देके जिताया है कि तुम पार्लियामेंट में हमको रिप्रेजेंट करो. वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तुम स्टेट लेजिस्लेचर में, असेंबली में हमको रिप्रेजेंट करो, वो एमएलए. इनको गवर्नमेंट से मिलता है समथिंग कॉल्ड डेली अलाउंस. देखिए पार्लियामेंट इज इन दिल्ली, बट एमपीज आर इलेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर इन इंडिया. Likewise, महाराष्ट्र की जो असेंबली है वो मुंबई में है, मगर MLAs are elected from every district, every village of महाराष्ट्र. गांव गांव से MLA इलेक्ट होके यहाँ पे आते हैं. मतलब कैन आई से दे आर अवे फ्रॉम होम? इसके लिए उनको मिलता है डेली अलावेंस, वो एग्जेम्प्ट होता है. और एक होता है कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस. कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मतलब जिस एरिया से आप इलेक्शन जीत के आए हो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. साउथ मुंबई इज द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अरविंद सावंत.
or if I have to say that Varanasi is the Lok Sabha constituency of Prime Minister Modi. He won election from there. Rahul Gandhi ki agar main baat karu, Rahul Gandhi ki. So, earlier he was a Lok Sabha MP from Amethi, where Smriti Irani defeated him this time in 2019. So right now he is a member of parliament from Wayanad district of Kerala. Kerala is the only state in the country jahan se Rahul Gandhi jeet sakta tha. Mazak nahi kar raha. It is impossible that he could have won from anywhere else. Amethi ka jo Lok Sabha ka seat tha, 40 saal se zyada Congress ki family seat. Earlier his father used to fight elections from there. It was not possible to defeat a Gandhi in Amethi unless that Gandhi is Rahul. It was impossible. Aur Kerala ek aisa state hai jahan par supposingly ek BJP ka aadmi election lad raha hai, ek BJP ka, aur samne Congress ne kutte ko ticket diya. A dog is fighting election, to wo dog jeetega. Kerala ka people will never vote for BJP. I go there, I know the inclination of the citizens of unke apne system hai, to unko pata tha ki sabse safe seat Wayanad hi hogi. It is easily possible ke tum you give ticket to any non human being. Ek kisi ped ko election ka ticket de degi na kahunga to wo ped jeet jayega, lekin BJP ko vote nahi dete Kerala ke log. They hate Modi BJP like anything. Kerala in specific and in general all the states of south, and I've got a good number of students over there, so I know their inclination. Okay, so listen, jahan se bhi aap election jeet ke aaye ho, Wayanad for example for Rahul Gandhi, ya South Mumbai for Arvind Sawant, wherever you won election from, that area is called your constituency. Aur aapko government se paisa milta hai, malum hai kya karne ka? Jis area ke logo ne tujhe election jitaya hai, जहां से तू जीत के आया है उस एरिया के लोगों के लिए थोड़ा सा खर्चा कर, दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, अपने एरिया में खर्चा करने के। बहुत बार आप जाओगे ना तो किसी गार्डन के सामने आपको लिखा हुआ दिखेगा दैट दिस गार्डन वाज रेनोवेटेड बाय द फंड गिवन बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर सो एंड सो, दिस एरिया हैज गॉट सीसीटीवी कैमरास बाय द फंड गिवन बाय द एमएलए ऑफ दिस एरिया. बांद्रा वेस्ट में अगर आप जाओगे ना, बांद्रा वेस्ट इज अ वेरी हाई फाई एरिया, हाई फाई लोकेलिटी है, गली गली में सीसीटीवी लगा हुआ है, क्योंकि सम ऑफ दीज लेन्स आर सेक्लूडेड और रात के टाइम पे कुछ क्राइम्स होते हैं तो गली गली में सीसीटीवी लगा हुआ है, और वो सीसीटीवी के नीचे बोर्ड भी मारा हुआ है, दिस सीसीटीवी वाज गिवन बाय द एमएलए फंड ऑफ बाबा सिद्दीकी. अर्लियर बाबा सिद्दीकी वॉज द एमएलए फ्रॉम बांद्रा वेस्ट, देन लेटर ऑन बीजेपी के एक लॉयर है जो मुंबई बीजेपी के प्रेसिडेंट भी, आशीष शेलर, ही वन फ्रॉम देयर, और बाबा सिद्दीकी का जो बेटा है जीशान सिद्दीकी, उसने फिर बांद्रा ईस्ट से इलेक्शन लड़ा. And he is now member of assembly from Bandra East. But once upon a time when Baba Siddiqui was the MLA, to unhone apne CCTV lagwaya apne paise se. Ye paisa kahan se milta hai? Government deti hai. Matlab member of parliament ko aur member of assembly ko government se paisa milta hai. Daily allowance milta hai and constituency allowance milta hai. What is the tax treatment of both daily allowance and constituency allowance? Section 10. Nacho. Section 10 matlab? Section 10 matlab exemption. Exemption. In the old regime, new regime ke andar, ye exemption aapko chhodna padega. At the end of the day, while I am explaining every individual point to you, nowhere can you forget. Kya bachcho? Old scheme mein ye old mein milega, new mein nahi milega. ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा. ये बात आप कहीं पर भी इग्नोर नहीं कर सकते हो. इस बात को आपको ऑल थ्रू आउट याद रखना पड़ेगा. आर यू फॉलोइंग? यस सर. नेक्स्ट, सेक्शन 1032. माइनर चाइल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स, यू नो दैट? यस सर. यस सर. जिस पेरेंट की इनकम में वो एड होता है उस पेरेंट को एक एग्जेम्पशन मिलता है, अमाउंट क्लब्ड और 1500 रुपीस, विच एवर इज लोअर. देयर इज दिस वन स्टूडेंट जिसको मैं बार बार म्यूट कर रहा हूं, प्लीज यू शुड अंडरस्टैंड दैट मींस योर माइक इज क्रिएटिंग ट्रबल एंड डिस्टर्बेंस फॉर एवरीवन. आपका एक ही ऑप्शन है, आप कैमरा को ऑन रखिए. आई डोंट वांट टू टेक योर नेम.
पब्लिकली, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्लीज। ओके, माइनर चाइल्ड की इनकम जब पेरेंट के हैंड्स में क्लब होती है तो देर इज एन एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट क्लब्ड और 1500 रुपीज पर चाइल्ड पर एनम व्हिचएवर इज मोर। मतलब अगर माइनर की इनकम 1000 रुपया क्लब हो रही है तो 1000 रुपया एग्जेम्प्ट, अगर 5000 क्लब हो रही है तो 1500 एग्जेम्प्ट। किसको मिलता है वो एग्जेम्पशन? द पेरेंट जिसकी इनकम में वो इनकम ऐड हुई है। लेकिन वो एग्जेम्पशन कहां मिलेगा? ओल्ड में मिलेगा, क्योंकि न्यू में आपको वो बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा। विथ 5 पॉइंट्स ऑलरेडी ओवर, आई थिंक यू आर गेटिंग एन आइडिया अबाउट व्हाट द लिस्ट इज। हाउ मच आई एक्सप्लेन टू यू अबाउट ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट्स, फ्यूचर में कभी ना कभी वो चैप्टर जब होगा तब मुझे उस चैप्टर को कराने, बाय द टाइम वो इट्स अ 2 मंथ लॉन्ग बैच, बाय द टाइम वी रीच दैट चैप्टर यू हैव फॉरगॉटन दैट, वो मालूम है हमको, अब बाय दैट टाइम ऑलरेडी भूल चुके रहेंगे। तो एनीवेज ये सेक्शंस मुझे आपको डिटेल में बाद में कराने ही है, लेकिन इसके लिए अब मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लाइक आई वेंट फॉर दी अदर पॉइंट्स। क्विकली आई विल टेल यू, दीज आर टैक्स बेनिफिट्स टू बी फॉरगॉन इन द न्यू रेजिम। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये हमारा चैप्टर है, हमारे टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 अगर आप देखोगे तो वो ऐसी सेट है। 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिलता है, फर्स्ट 5 ईयर्स 100%, नेक्स्ट 5 ईयर्स 50%, एंड लास्ट 5 ईयर्स 50% सब्जेक्ट टू सम एडिशनल कंडीशंस। ये एक टैक्स हॉलीडे, मतलब एक डिडक्शन है, ओल्ड में मिलेगा, न्यू में आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है, इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन ओल्ड, नॉट अवेलेबल इन न्यू, टिल द टाइम यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट मच मेरा काम हो जाएगा। सेक्शन 16, यू गेट डिडक्शंस अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। अपना जो सैलरी इनकम है उसका चार्जिंग सेक्शन है 15, और उसके डिडक्शंस मिलते हैं सेक्शन 16 के अंदर। सैलरी का डिडक्शंस किसमें मिलता है? सेक्शन 16, देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक्चुअल सैलरी और 50,000 व्हिचएवर इज लोअर, एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एंड प्रोफेशनल टैक्स ओनली इफ इट इज पेड। दीज आर डिडक्शंस, इनकम कम होगा, ओल्ड रेजिम डोंट टेक द डिडक्शन, तो इनकम बढ़ जाएगा न्यू रेजिम। समझ गए ना? यस सर। दैट मींस इट बिकम्स अ डिडक्शन व्हिच हैज टू बी फॉरगॉन इन द न्यू रेजिम। 24B, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, दिस इज इंटरेस्ट डिडक्शन अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी, जो आपको छोड़ना है ओनली इफ योर हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कभी छोड़ना है? ओनली इन केस ऑफ SOP, एंड आई हैव क्लियरली मेंशनड दैट आल्सो। अगर आपका LOP है या DLOP है तो आपको इंटरेस्ट अलाउड रहेगा। किसमें छोड़ना है आपको? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इनकम जीरो होती है, देयर इज नो इनकम, वी जस्ट गिव इंटरेस्ट का डिडक्शन, इसलिए उसका फाइनल आंसर हमेशा लॉस होता है, क्योंकि खाली डिडक्शन है, इनकम तो है ही नहीं, और उस लॉस को हम अदर इनकम के सामने एडजस्ट करते हैं। SOP के अंदर लॉस होता है और अदर इनकम के सामने एडजस्ट होता है, दैट इज अलाउड बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रमोट हाउसिंग फॉर ऑल। तो आप होम लोन लीजिए, उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन लीजिए, उसको लॉस बनाइए और अदर इनकम के सामने सेट ऑफ कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको नए रेजिम में जाना है तो फिर आपको वो छोड़ना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। ये अगर हम LOP DLOP की बात करें, लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली, LOP DLOP मतलब यू आर ऑफरिंग इनकम टू टैक्स, लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब यू आर ऑफरिंग इनकम टू टैक्स। तो क्या आपके इनकम में कुछ अमाउंट आई होगी? यस सर। उसके सामने आप अपने इंटरेस्ट के डिडक्शन को ले सकते हो। इंटरेस्ट का डिडक्शन किसमें नहीं अलाउड रहेगा? SOP में। SOP में नहीं रहेगा, LOP में मिलेगा, एंड SOP में भी मित्रों न्यू रेजिम में, ओल्ड रेजिम होगा तो यू कैन टेक इन SOP ऑल्सो, LOP ऑल्सो, न्यू रेजिम होगा तो यू हैव टू फॉरगो SOP का डिडक्शन, यू कैन कंटिन्यू टू टेक LOP DLOP। नेक्स्ट, ये सब अब देखिए, ये सब ना यहां से लगाकर यहां तक, इनफैक्ट नॉट टिल ईयर, दीज आर सेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15। 7 points आर फ्रॉम विच चैप्टर? बिजनेस प्रोफेशन। तो बिजनेस प्रोफेशन एक ऐसा चैप्टर है
जो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, बिकॉज हमको बिजनेस प्रोफेशन में 12 मार्क का टारगेट रखा है, याद है ना आपको? यस सर। एंड ऑल दीज प्रोविजंस आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अवर पीजीबीपी डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन समवेयर नियर द कंप्लीशन ऑफ योर पोर्शन, बिकॉज वॉल्यूम 3 हम लोग लास्ट में करने वाले हैं एनीवेज मित्रों। Yes. Yes, तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे। जो भी एसएससी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होता है उसको मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर डिडक्शन ज्यादा मिल रहा है तो इनकम कम हो रही है। Yes. Yes, pay tax as per old rates, forgo the deduction and pay tax as per new rates. अभी के लिए आप इतना समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 32 AD, इसको तो चाहिए तो आप कैंसल भी कर सकते हो, बिकॉज 32 AD वॉज अवेलेबल ओनली टिल प्रीवियस ईयर 1920. 32 AD कौन से साल तक अवेलेबल था? प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड टिल 1920. अभी हम लोग 2021 छोड़ दीजिए मित्रों, हम तो 2122 में आ गए। दैट मीन्स कैन आई से 32 AD वैसे भी अभी अप्लाई भी नहीं करता, ये सेक्शन ही डिलीट हो गया इनकम टैक्स से। मगर इस सेक्शन में क्या था? एक डिडक्शन था। न्यू रेजिम चाहिए तो वो डिडक्शन आपको छोड़ना पड़ेगा। 32 AD is irrelevant, you can ignore it for the time being. 33 AB, assessees who are in tea, coffee, rubber business, या 33 ABA, who are in site restoration, मतलब extraction of natural resources के business में, तो इन दोनों section में आपको एक deduction मिलता है। 33 AB में भी एक deduction है, 33 ABA में भी एक deduction है। जैसे ही मेरे मुंह से word निकला deduction, वो आपकी income को क्या करेगा? Reduce. कम करेगा। Then if you want to go in the new regime, you will have to forego that deduction. As of now, that much is going to be enough. Then we come to a very, very important section of PGBP. Extremely important section. Section 35, scientific research. Section 35, contribution towards, kya bola mitro? Scientific research. Section 35 mein total 7 deduction milte hai. Subsection and clauses mila ke. Dhyan se dekho. 35-1-2, 35-1-2A, 35-1-3, 35-2-AA, 35-1-1, 35-2, 35-2-AB. टोटल सेक्शन 35 में कितना डिडक्शन है? 7. इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं सुनो। वो 7 में से ये एक जो है ना 35-2-AB, ये सिर्फ कंपनीज के लिए है, अदर असेसिस को ये मिलता ही नहीं है। और हम 115 BSC कर रहे हैं, ये किस असेसी के लिए? इंडिविजुअल। दैट मींस कैन आई से ये तो नॉट एप्लीकेबल, मैंने लिख दिया तो 7 में से एक चला गया, तो कितना बचा? 6 बचा। वो 6 में से 35-1-1 एंड 35-2 ये दोनों हमारे ओन बिजनेस के लिए है, तो ये डिडक्शन आपको मिलेगा। जैसे सैलरी में भी कैसे पता है वो 4 मिलता था, दिव्यांग एम्प्लॉई एंड कन्वेंस अलाउंस एक्सेट्रा, ये दोनों आपको मिलेगा। तो आपको खाली कितना छोड़ना है, 7 में से 1 इज नॉट एप्लीकेबल एंड 2 आर अलाउड, देन हाउ मेनी यू हैव टू फोरगो? 1, 2, 3 and 4, चार आपको फोरगो करना है। 4, 35-1-2, 35-1-3, 35-1-2A and 35-2AA, 4 यू हैव टू फोरगो। टोटली हाउ मेनी डिडक्शंस इन सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च? 7. आउट ऑफ 7 हाउ मेनी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो कंपनी के लिए बनाया है? 1. तो रिमेनिंग 6, फ्रॉम दोस 6 हाउ मेनी यू कैन टेक इन द न्यू रेजिम? 2. यू कैन टेक 4, you forgo. Forgo. New regime में forgo. एक बात बताओ, old regime में आपको ये 6 के 6 मिलेंगे। और अगर आप कंपनी हो तो old regime में आपको 7 के 7 मिलेंगे। New regime में ही तो benefit forgo करने होते हैं। Yes. पूरा section 35 forgo नहीं करना है, 4 forgo करना है, 2 मिलेगा। लेकिन ये 4 क्या है, ये 2 क्या है, कंपनी वाला क्या है, everything will be taught to you in PGBP वाला chapter. As of now, the only thing that is relevant is, अगर आप नए रेजिम में जाते हो तो आपको ये वाले टैक्स बेनिफिट को फोरगो करना पड़ेगा। आपको खाली उतना समझ में आता है? Yes. Yes, sir. Next section, हाँ जी, you are asking something? No, sir. नहीं. Section 35 AD, investment link deduction. Again, छोटा सा explanation, one of the very important sections of PGBP. गवर्नमेंट ने एक लिस्ट ऑफ बिजनेस दिया है, 14 स्पेसिफाइड बिजनेस, और गवर्नमेंट बोलती है अगर आप ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वी विल गिव यू, हियर मी आउट केयरफुली, 100% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 14 बिजनेसेस, वी विल गिव यू
100% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमको मिलता है भिखारी की तरह मर मर के रो रो के डिडक्शन इन द नेम एंड नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन. थोड़ा 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 चिंदी भिखारी 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 करके. लेकिन अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है 35AD में, तो आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, आप फर्नीचर खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, आपको पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ योर एसेट अलाउड. कैन आई से इट्स अ मैसिव डिडक्शन दैट वी आर गेटिंग इन इनकम टैक्स? यस सर. बट ओनली इन द ओल्ड रेजिम, फॉरगो इन द न्यू रेजिम. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? अब कौन से वो 14 बिजनेस है, क्या कंडीशन है, Everything will be taught to you. PGBP के chapter में डेढ़ घंटा लगता है ये एक section समझाने के लिए. एक section 35AD का डेढ़ घंटा लगता है. We cannot do, हम ऐसा नहीं कर सकते. Introduction कर रहे हैं, एक काम करते हैं, छोड़ना introduction को, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, पूरा PGBP एक बार खत्म कर लेते हैं, then we will continue introduction. That is not possible, no? Everything is linked with each other. That's the beauty of direct tax. तो PGBP में ये section आपका हो जाएगा. Next, section 35CCC, agriculture extension project. Sir, listen, listen, listen. जो एग्रीकल्चर करता है उसको तो इनकम टैक्स लगता ही नहीं है ना. हेलो. हाँ सर. जो एग्रीकल्चर करता है उसको तो इनकम टैक्स नहीं लगता है. यस सर. जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं लगता. हाँ, सिर्फ एग्रीकल्चर करता है तो नहीं लगता है ना. हाँ, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ. I am asking only about agriculture. Farmer है, farmer. Okay. नहीं लगता है. That is what I am asking. Now I am continuing. लेकिन जो agriculture को support करता है, support मतलब tractor बनाने वाली company, agriculture goods का transport करने वाली company, agriculture goods का loading unloading करने वाली company, agriculture के goods को process करने वाली company, these companies are not doing agriculture. You agree with that? Yes. Yes, sir. That means they will be liable for income tax. वही बोले ना अभिराम, आप भी, मैं भी वही बोल रहा हूं. यस सर. दीज कंपनीज आर लायबल फॉर इनकम टैक्स? यस सर. एंड दे गेट अ डिडक्शन अंडर 35CCC, 100% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस. इन द ओल्ड रेजिम, न्यू में जाओगे तो आपको वो डिडक्शन छोड़ना पड़ेगा. न्यू टैक्सेशन रेजिम, यू विल हैव टू फॉरगो दैट डिडक्शन. इस 35CCC के साथ में, आई एम वेस्टिंग वन मिनट ऑफ योर्स, वन मिनट का वेस्टेज है. एक 35CCD करके भी सेक्शन है, सुनना मेरी बात. दिस इज ऑल्सो अ डिडक्शन जिसमें 100% कैपिटल का और उसका मिलता है. तो सीसीसी छोड़ने का बोला, सीसीडी छोड़ने का बोला क्या न्यू रेजिम के अंदर? क्या सीसीडी लिखा है अपनी लिस्ट में? पता है क्यों नहीं लिखा है? पता है क्यों? क्योंकि सीसीडी जाके खोल के देखोगे ना तो सीसीडी में लिखा है दिस इज ओनली फॉर कंपनीज. तो फिर यहां पे लिखने का जरूरत नहीं ना. जैसे ये था ओनली फॉर कंपनीज 35 2AB, देन इट डज नॉट मेक सेंस टू राइट इट हियर. जब हम लोग मैट का चैप्टर करेंगे, एट दैट टाइम वी विल लर्न 115BAA BAB आल्सो. यस सर. उसमें ऐसा लिखा है 35 2AB छोड़ना पड़ेगा, 35CCD छोड़ना पड़ेगा. ये वाले भी लिखे हैं कंपनी वाले के अंदर, क्योंकि ये वाले डिडक्शन सिर्फ कंपनी को अप्लाई करते हैं. तो फॉर इंडिविजुअल HUF, विच इज द डिडक्शन टू बी फॉरगोन? Only 35 CCC. Okay. But for companies, CCD also has to be foregone. CCC, CCD, all these are deductions of PGBP chapter, and in proper detail they will be taught to you in PGBP chapter. No problem. आगे बढ़ेंगे. Next, this is a section from IFOS. IFOS 56 charging section है. 57 में एक deduction मिलता है. डिडक्शन अगेंस्ट फैमिली पेंशन. सर एक मिनट का एक्सप्लेनेशन, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. जब एम्प्लॉय रिटायर होता है और एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है, दैट्स टैक्स्ड अंडर सैलरी. बट आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, व्हेन द स्पाउस गेट्स पेंशन, दैट्स टैक्स्ड अंडर IFOS. क्योंकि स्पाउस का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं था ना. यस सर. यस सर. माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू वर्क फॉर इंडियन रेलवेज. ही वॉज अ रेलवे एम्प्लॉय. He retired at the age of उस जमाने में government employees की कुछ retirement age थी 55. He retired at the age of 55. He got pension. Taxable under salary? Yes, sir. Yes, sir. And after
2 years at the age of 57 he passed away. That was 1997. 24 years. Say, my grandmother even today is getting pension from Government of India. Till the time the spouse is alive, pension is paid. 24 years similar. My grandmother is 78 years, very soon nearing 80 now. She is still getting pension every month from Government of India. The pension that she is getting is taxed under IFOS. Or isko bolte hai family pension. Family pension ka meaning samjha gaya? Yes, sir. Yes, sir. इस फैमिली पेंशन के इनकम के सामने एक डिडक्शन मिलता है. आई एम ओनली टेलिंग यू दैट डिडक्शन ओरली क्योंकि मैं आईएफओएस के चैप्टर में लिखवा के कराऊंगा और आपने प्रॉमिस किया है ना आईएफओएस अटेंड करोगे. यस यस सर. अपने सीए की कसम खाके तो मैं लिखवा के कराऊंगा. देयर इज अ डिडक्शन 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 15,000 पर एनम व्हिचएवर इज लोअर. ओरली बता रहा हूं 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 15,000 पर एनम व्हिचएवर इज लोअर. ये डिडक्शन है फिलहाल इतना मैटर करता है कि न्यू वाले रेजिम में ये वाला डिडक्शन मित्रों नहीं मिलेगा. इतना काफी है. इतना काफी है फिलहाल के लिए. इतना काफी. जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे एक एक करके सारे पॉइंट हो जाएंगे. एंड दिस इज नाउ गोइंग टू टेक मी टू पॉइंट नंबर 17. आपके लाइफ का सबसे बड़ा झटका देने वाला इवेंट. अब तक न्यू रेजिम में जो जो सेक्शन थे जैसे साइंटिफिक रिसर्च या 35 AD इन्वेस्टमेंट या आपका SEZ 10AA, ये आप एक बार अपने आप को कांच के सामने अपन लोग सब खड़े होके देखते हैं. हमारे जैसे गरीब भूखे नंगे लोगों के लिए साइंटिफिक रिसर्च 35AD SEZ इसका कोई मतलब है जीवन में? Does it have any impact on people like us? No sir. ये आपकी जिंदगी बदल देगा, बर्बाद कर देगा. बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, द न्यूज फॉर द डे, एंड इट इज ऑलरेडी ओल्ड न्यूज, आई टोल्ड यू लॉन्ग अगो. न्यू टैक्सेशन रेजिम के अंदर चैप्टर 6A का डिडक्शन खत्म. टाटा फिनिश बाय बाय. मतलब ओल्ड रेजिम में चैप्टर 6A मिलेगा, न्यू रेजिम में चैप्टर 6A नहीं मिलेगा. एक्सेप्शंस है, जैसे वो सैलरी में भी कैसा एक्सेप्शन था. एक्सेप्शंस है लेकिन आपका 80C 80D 80G 80U एवरीथिंग खत्म. एक बात बताइए, एट दिस स्टेज आई वुड लाइक टू चेक आपका याददाश्त कितना है. एनी असेसी शिफ्टिंग फ्रॉम ओल्ड रेजिम टू न्यू रेजिम, हाईएस्ट पॉसिबल सेविंग्स इन टैक्स 75,000. प्रूफ डिराइव करके दिया था बच्चों. यस सर. डिसअपॉइंट मत कीजिए मेरे को. आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज. मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, तोड़ना मत. 75,000. लेकिन बाय चांस अगर आप नुकसान गिनने बैठोगे, द लॉस इन द न्यू टैक्सेशन रेजिम कैन बी इनॉर्मस, मैसिव. ये आपका चैप्टर 6A अकेला 2-5 लाख रुपया हो सकता है. बोलना yes. मता कोई के सर चैप्टर 6A तो मैक्सिमम 1.5 लाख मिलता है, घर पे आके दूंगा कान के नीचे लाफा. 80C का लिमिट 1.5 लाख है, मेडिकल इंश्योरेंस का अलग मिलता है. किसी किसी को ऐसा लग रहा है सर अभी तक तो हमारा भी 80U हो गया लगता है. बस हो गया सर अभी. नाउ वी फील दैट वी आर बिकमिंग 80U केस. 80U इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिजिकल एंड मेंटल बोथ कवर्ड. नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000. खाली इतना इतना ऐड कर लो, 1.5 लाख 80C का, 25,000 आपका 80D का मेडिक. उसमें भी अगर सीनियर सिटीजन होता है तो 50 होता है, लेकिन मैं 25 ही बोल रहा हूँ. 175 और 25,000, आप 1,25,000 आपका डिसेबिलिटी का, 3 लाख रुपया इतना है. डोनेशन का अमाउंट कितना भी आप 10 लाख रुपया डोनेशन देके 10 लाख का भी डिडक्शन ले सकते हो. डिड यू अंडरस्टैंड न्यू टैक्सेशन रेजिम में यू हैव टू फॉरगो? यस सर. डिडक्शंस छोड़ देने की वजह से इनकम कितनी बढ़ेगी और कितने ब्रैकेट में? 15 लाख के बाद तो सब 30% में जाने वाला है ना. यस यस सर. बेनिफिट विल बी मैक्सिमम 75,000, लॉस कैन बी अनलिमिटेड. अनलिमिटेड एक लाइन बोलता हूं, अगर मेरा क्लाइंट मेरे पास आया, सर मैं ओल्ड लुक एंड न्यू लुक, मैं बिना देखे बोलूंगा ओल्ड में. बिना देखे ओल्ड में जाने का नुकसान हाईएस्ट 75,000, क्योंकि न्यू में जाने का बेनिफिट हाईएस्ट 75,000, तो ओल्ड में जाने का लॉस हाईएस्ट 75,000. लेकिन ये सारे टैक्स बेनिफिट तो मिलेंगे. यस. और खाली वो एक बीएसी में चेंज करने का ऑप्शन है,
बाकी तीन में तो एक बार न्यू में चले गए वापस आ भी नहीं सकते ओल्ड में. आई विल ऑलवेज, मैं बोलूंगा एक काम करना 75,000 रुपीज मेरे से ले लेना, फिर तो तेरे को ओल्ड में कुछ भी नुकसान नहीं होएगा. लेकिन द अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स दैट यू हैव टू फॉरगो फॉर गोइंग इन द न्यू चैप्टर 6 से अकेला आपके डिसीजन को चेंज कर सकता है. वैसे टोटल 20 है बट दी अदर्स मे नॉट अफेक्ट. गरीब भूखा से नंगास लाइक अस, द अदर्स मे नॉट अफेक्ट अस, बट डू यू अंडरस्टैंड चैप्टर 6 से विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ ईच वन ऑफ अस. यस चैप्टर 6 का डिडक्शन नॉट अलाउड इन द न्यू रेजिम. तीन एक्सेप्शन है, एक 80CCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एक डिडक्शन मिलता है एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, दैट्स अ डिडक्शन. ये वाला मिलेगा. अरे आपको पता है ये क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है ना, ये पहले सैलरी में एड हो चुका है. इट गेट्स फर्स्ट एडेड इन अवर सैलरी, इट कम्स इन GTI एंड देन वी टेक डिडक्शन. मतलब क्या ये वाली अमाउंट ऑलरेडी मेरी इनकम में आई है? ऐड करके बाद में माइनस कर रहा हूं तो ले सकते हो, देन यू कैन टेक इट. इसके लिए ये दे रहे हैं. एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, जो एम्प्लॉई अपने पॉकेट से करता है, वो मिलता है 80CCD सबसेक्शन 1 में. वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा बिकॉज एनीवेज इट इज एडेड इन सैलरी. एंड एनीवेज जब हम चैप्टर 6 से का डिडक्शन करेंगे, लास्ट चैप्टर ऑफ अवर टेक्स्ट बुक 40 नंबर, उस टाइम पे हम लोग ये 80CCD 2 वाला सेक्शन भी पढ़ेंगे, तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा. याद रहे, इन द न्यू रेजिम ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल. देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ डिडक्शन चैप्टर 80JJ, जज आ आ, जज आ आ. एक जज्जा भी है, जज्जा, जज्जा अलग है, जज्जा इधर नहीं है, जज्जा आ आ. जब भी आप नए लोगों को नौकरी देते हो, एम्प्लॉइंग न्यू वर्कमैन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू प्रमोट पकोड़ा कल्चर नहीं, जॉब्स फॉर पीपल. प्रॉमिस किया था वी विल जनरेट 1 करोड़ जॉब्स. इधर करोड़ों लोग जॉबलेस हो गए लास्ट एक साल में, बट ठीक है, दैट वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफकोर्स. ओके, तो जो भी असेसी नए लोगों को नौकरी देता है, नए लोगों को नौकरी देने के लिए एक चैप्टर 6 से डिडक्शन है. व्हाट इज द सेक्शन नंबर? JJ. वी वांट टू एनकरेज दिस, इसलिए ये आपको नए वाले रेजिम में भी मिलता है. नॉर्मली न्यू रेजिम में यू हैव टू फॉरगो चैप्टर 6 से, यस, बट ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा. और एक 80LA है विच इज अ टैक्स डिडक्शन फॉर IFSC. ये तुम्हारा बैंक का पैसा ट्रांसफर करने वाला IFSC नहीं रहे गदेड़िया, दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेस सेंटर. IFSC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेस सेंटर. उसके लिए एक सेक्शन है 80LA, वो मिलेगा. अब मुझे पता है यू डोंट नो IFSC, यस और नो? यस सर. ओके, आई कैन सी द फेसेस एंड अंडरस्टैंड, एंड इनफैक्ट विदाउट सीइंग द फेसेस ऑल्सो मुझे पता है कि इन बच्चों को पहली बार, आपने ये टर्म ही अपने लाइफ में पहली बार सुना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. बहुत जल्दी हम लोग एक चैप्टर करेंगे NRI टैक्सेशन, उसके अंदर मैं आपको IFSC का मीनिंग बता दूंगा. इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत नया है, 2016 में पहली बार इसके लिए लॉ बना था, और अब तक इंडिया में एक ही IFSC बना है इन गांधीनगर गुजरात, बाय द नेम ऑफ गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी, ऐसा कुछ नाम उसका रखा है, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी करके कुछ नाम रखा है उसका. इंडिया में अभी एक ही IFSC बना है, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, और डिटेल में इसका टीचिंग आएगा. फिलहाल इतना पता होना चाहिए दैट IFSC के लिए देयर इज अ डिडक्शन. व्हाट इज द सेक्शन ऑफ दैट डिडक्शन? 80LA विल बी अवेलेबल इवन इन द न्यू रेजिम. ये तीन ऐसे है जो न्यू रेजिम में एक्सेप्शन लिखा दिख रहा है ना? Yes. Yes, ये तीन नए रेजिम में मिलेंगे. ये तीन को छोड़ के चैप्टर 6 का एनीथिंग 80C, 80D, 80G, 80U, एवरीथिंग यू विल हैव टू फॉरगो वंस यू गो इन द न्यू टैक्सेशन रेजिम. इतना करके इनका पेट नहीं भरा तो यू नो अगला बात क्या बोला? ऊपर तुमने ये सब डिडक्शंस फॉरगो किए, याद है PGBP के डिडक्शंस जो हम लोग फॉरगो कर रहे थे? यस
Additional depreciation, scientific research, 35 AD. Remember? Yes, sir. Supposingly, in the current year, I shift from old regime to new regime. That means I will not get all these benefits. That's the main condition of new regime. Yes, sir. No. Point number 18 क्या बोलता है? सुनना मेरी बात ध्यान से. Last year मैं old regime में था. If I was in old regime, was I eligible for these benefits? Yes. Under old regime. Yes, sir. I was eligible. Yes, sir. लेकिन मेरे profits कम पड़ गए. Insufficient profits to be giving me these deductions. I did not have profits. तो वो जो unabsorbed deduction है, जैसे unabsorbed depreciation होता है, उसको हम carry forward किए. तो मेरे current year में वो मेरे लिए brought forward बनेगा. Yes. करंट ईयर में हम लोग न्यू रेजिम में जा रहे हैं. Yes. तो करंट ईयर के तो ये वाले डिडक्शन नहीं ही मिलेंगे. Yes. Yes, sir. भाई साहब, ब्रॉट फॉरवर्ड भी नहीं मिलेंगे. एनी ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट ऑल्सो लैप्स हो जाएगी. मीन्स टिल लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन ओल्ड रेजिम, आई वाज एलिजिबल फॉर दिस टैक्स बेनिफिट्स. Yes. बट बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट प्रॉफिट्स देयर वाज सम अनअब्सॉर्ब्ड अमाउंट, वो भी लैप्स. या लेट मी मेक दिस लाइन सिंपल फॉर यू, सी इफ यू अंडरस्टैंड. दीज टैक्स बेनिफिट्स नॉट अवेलेबल इन द करंट ईयर. यस. एंड एनी ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज बेनिफिट्स विल ऑल्सो लैप्स. करंट ईयर ऑल्सो नॉट अलाउड, ब्रॉट फॉरवर्ड भी लैप्स. जब सोच लिया है कि नए में जाना है और यह सब नहीं देना है, तो नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा. करंट ईयर का भी नहीं मिलेगा और ब्रॉड फॉरवर्ड भी नहीं. समझा? यस सर. एक बात बताओ, 75,000 रुपीस को छोड़ दो और चुपचाप ओल्ड रेजिम में बैठे रहो. दैट्स द बेस्ट एडवाइस दैट आई एम गिविंग यू एज अ टैक्स कंसल्टेंट टुडे. एज अ प्रोफेसर आई हैव टू टीच ओल्ड ऑल्सो न्यू ऑल्सो. लिस्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स टू बी फॉरगॉन, ओल्ड का रेट्स, न्यू सब कुछ कराना है. बट एज अ कंसल्टेंट याद रहे, ओल्ड रेजिम इज ओनली एडवाइसेबल. Because the disaster is too much once you go in new. Point 19. House property loss ko other income ke samne adjust karna allowed rehta hai, normal circumstances. Old regime. Maximum rupees 2 lakh. Loss under house property can be adjusted against other heads of income. Maximum 2 lakh. Lekin naye regime mein adjustment of house property loss against other income not allowed. Adjustment of house property loss against other income in the new taxation regime is not going to be allowed. एक बात बताओ, सुनो, अगर आपको ऊपर किए हुए लिस्ट में कुछ पॉइंट्स याद है, तो क्या आपको ये याद है कि SOP में तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने ही नहीं वाला? Do you remember that in SOP we are not getting the deduction only? Yes. That means if we are talking about this deduction, house property में loss हो सकता है only if it is LOP? Yes, sir. क्योंकि एसओपी में तो हमने डिडक्शन ही नहीं दिया, तो लॉस होगा कहां से? एलओपी का लॉस नॉर्मली अदर हेड्स के सामने अलाउड है, मैक्सिमम 2 लाख. लेकिन अगर न्यू रेजिम में गए तो वो अलाउड नहीं होगा, नहीं रहेगा. अंडरस्टूड? यस. एंड लास्ट, एनी एग्जेम्पशन ऑफ अलाउंस और परक्विजिट अंडर अदर लॉ. सर अदर लॉ एटले शू? सर सुन, दिस इज एक्चुअली है ना बेसिक्स ऑफ इंटरमीडिएट जो आपने आईडीटी के भरोसे पास किया. कभी कभी कोई कोई अलावेंस या परक्यूजिट हमको इनकम टैक्स में नहीं, किसी और लॉ में, जैसे ग्रेच्युटी करके एक एग्जेम्पशन है सेक्शन 10-10, उसका एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट एक्सीडिंग 6 months. एग्जेम्पशन गिवन इन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. देयर इज अ सेक्शन 10-10B रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, where there is exemption given in Industrial Dispute Act. An allowance or perquisite which is exempt on the basis of some other law, Payment of Gratuity Act or Industrial Dispute Act, and that benefit we take in income tax. But that benefit, once again, will not be allowed once you shift to the new taxation regime. Any allowance or perquisite exempt under other law will not be allowed for any assessee shifting in the new taxation regime. At the end of the list of 20 points, the only conclusion that I can draw for you is, Deviyo and Sajjano, the loss, the hazard, the nuksan of going in the new regime is very much high, very high, enormous, massive. Main ek line bolta hu, kya aapko ye samajh mein aati hai?
अगर मैं ओल्ड रेजिम छोड़ के न्यू में चला जाता हूं, फायदा हुआ तो हाईएस्ट 75 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो नुकसान कैन बी इनफाइनाइट अनलिमिटेड, क्या आप मानते हो इस बात को? यस सर, यस सर, यस सर। बेनिफिट विल बी मैक्सिमम 75,000, लॉस विल बी अनलिमिटेड। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर, यस सर। इतना करने के बाद मेरा ओपिनियन इतना ही है, ओल्ड में रहना, न्यू रेजिम इज ओनली अ टाइम पास। खाली हमारा एक लेक्चर एक्स्ट्रा कंज्यूम करना था, इसलिए निर्मल आंटी ने न्यू रेजिम दिया, उनका और कोई इंटेंशन नहीं था। अगर मेरी बात सुनिए, अगर न्यू रेजिम लाके निर्मला आंटी बोलती, खाली कितना बोलना था, ये नए रेजिम के रेट्स है, खाली ये ऑप्शनल वर्ड की जगह कंपलसरी लगाना था, मजा आ जाता, मजा आ जाता। मैं दिल से ये पूरी लिस्ट लर्न करता। एक बात बताओ, क्या लिस्ट किधर लर्न करना है? इन सेक्शंस को इनकम टैक्स में से डिलीट कर दो, एनीवेज दे आर नॉट एप्लीकेबल एंड द रेट्स गिवन हियर आर कंपलसरी। कितने सारे सेक्शन पढ़ना कम हो जाता, समझ में आता? पीजीबीपी के जितने भी बड़े बड़े सेक्शन है, साइंटिफिक रिसर्च स्पेसिफाइड बिजनेस, एसईजेड का पूरा चैप्टर, चैप्टर 6 का पूरा चैप्टर, ये तो चैप्टर के चैप्टर ही डिलीट हो जाते हैं। असेसिस का, टैक्स कंसल्टेंट्स का, स्टूडेंट्स का, प्रोफेसर्स का, सबका काम बर्डन कम होता ना? यस सर, बर्डन कम ने किया, आंटी ने डबल किया, बिकॉज यू हैव टू लर्न ओल्ड एंड न्यू, एंड अल्टीमेटली नोबडी इज गोइंग टू टेक न्यू, एवरीबॉडी इज गोइंग टू रिमेन इन ओल्ड, बिकॉज न्यू में जाने का नुकसान कितना है वो अभी आपके सामने प्रूव हो गया है। आपको समझ में आया क्या? यस सर, यस सर, यस, दैट्स हाउ इट इज एंड दैट्स द लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है, ऑफ कोर्स आपको स्क्रीनशॉट, वैसे टेक्स्टबुक आपको, आपको एक दो चैप्टर मिला क्या टेक्स्टबुक का? एक चैप्टर मिला, एक चैप्टर मिला, सिर्फ फर्स्ट वाले का मिला, फर्स्ट मिल गया ना? देखिए, आई डोंट नो व्हाट सजेशन पास्ट स्टूडेंट्स हैव और व्हाट ओपिनियन दे हैव गिवन टू यू बिफोर यू टुक देयर ओपिनियन एंड जॉइन माय क्लास। उन्होंने, जिसने भी आपको बोला है, इतना तो बोला होगा, पहले चैप्टर से लगाकर आखिरी चैप्टर तक हम कोई भी बुक वुक कुछ भी नहीं टच करने वाले। इनकम टैक्स एक्ट कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करके रखा हुआ, और बाद में कंट्रोल एस भी किया, सुना है ये सब? Yes, कंट्रोल सी कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल एस करके रखा है, एवरी सेक्शन एवरी प्रोविजन इधर चिपका के रखा हुआ है। हमको बुक की जरूरत सिर्फ तभी पड़ेगी व्हेन वी आर सॉल्विंग सम्स, उसके पहले बुक का कोई जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट टू बी फोरगोन है, अगर आपको एक्चुअली ये खाली एक लिस्ट लिखनी है, दैट ऑल्सो इफ यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड द हैंड रिटन बुक टुगेदर, तो आप यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आपको खाली इतना लिखना है कि टेक्स्ट बुक में से ये रीड कर लो। और अगर आपको ऐसा चाहिए, नहीं मेरी हैंड रिटन बुक में सब कुछ आ जाना चाहिए ताकि मुझे किसी भी चीज के लिए रिविजन करने के टाइम पे टेक्स्ट बुक नहीं खोलना पड़े, तो फिर आप यहाँ पे 30 लाइन छोड़ देना, वो 30 में ये 20 पॉइंट आ जाएंगे। कोई कोई पॉइंट बड़े थे ना, इसके लिए आपको ज्यादा जगह चाहिए, मगर 30 लाइन में आपके 20 पॉइंट पूरे आ जाएंगे, यू कैन लीव दैट स्पेस। फॉर नाउ आई एम इमीडिएटली स्टार्टिंग। अब क्या इसको 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? कोई कोई को याद भी नहीं है, सर मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, व्हाट आर वी डूइंग विद अवर लाइफ, वी आर लर्निंग न्यू टैक्सेशन रेजिम। चार सेक्शन है लेकिन यहां पे दो ही करेंगे, मैट में दो करेंगे। ये चारों सेक्शन में 6 कॉमन पॉइंट्स थे, टैक्स का रेट कम होगा, दे आर ऑप्शनल, टैक्स बेनिफिट्स टू बी फोरगोन, स्पेशल रेट्स आर गोइंग टू अप्लाई, बिफोर ड्यू डेट यू हैव टू एक्सरसाइज मैट एएमटी नॉट एप्लीकेबल, और 115 बीएसी में दो अलग बातें थी, एक उसमें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों कवर्ड है, एंड सेकंड वो आप चेंज कर सकते हो, एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पीजीबीपी नो पीजीबीपी, याद आया ना? Yes, फिर हमने टैक्स बेनिफिट्स फोरगोन में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम किया, यहाँ पे वो टाइम कंज्यूम नहीं होगा। पहले तो उसी नंबरिंग के हिसाब से चलते हैं, व्हाट इज द नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, 5 एलिजिबल असेसी ऑप्शनल, सेम नंबरिंग हम लोग यहाँ पे भी देंगे, और आप इसको एज रिविजन सर्व करो, ट्राई करो अगर बिना देखे बोल सकते हो तो। हु इज द एलिजिबल असेसी? रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्क्रीन इज विजिबल नो? यस सर, रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रहे, भूलना नहीं इसको, दिस इज फॉर रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट जो बीएसई में लिखा था? ऑप्शनल। व्हाट इज योर आंसर ओवर हियर, ऑप्शनल और कंपलसरी? ऑप्शनल। ऑप्शनल। थर्ड पॉइंट, How to exercise?
वहां पे भी क्या लिखा था और यहाँ पे भी वही लिखा on or before 139 one due date. What is the 139 one due date? Written filing. Written. फिर उसके नीचे वहां पे यू नो पीजीबीपी नॉन पीजीबीपी वालों के लिए अलग अलग रूल था. Yes. Yes, sir. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन वन एक्सरसाइज. आप अपने पूरे जीवन में कभी भी इस ऑप्शन को नहीं कर सकते. वंस द ऑप्शन हैज टेकन यू कैन नेवर चेंज इट. ऑप्शन वंस टेकन कैन नेवर बी चेंज्ड. करेक्ट है? यस सर. फोर्थ पॉइंट नो एएमटी वाला ही पॉइंट था ना? यस नो एएम. कंपनी वाला सेक्शन करेंगे तब लिखेंगे नो मैट. मैट लेकिन यहां पे लिखेंगे नो एएमटी. फिफ्थ पॉइंट में हमने रेट्स किया और कंपैरिजन किया. याद है स्लैब्स दिए नए वाले 5% 75,000. बिफोर आई टेल यू द रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन न्यू रेजिम, किसी को ओल्ड रेजिम याद है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का? यस सर. मत हिलाओ, रेट्स बताओ. समझ गया. न्यू रेजिम, बच्चे रो मत. न्यू रेजिम, कॉन्ग्रेचुलेशंस. एक ही टैक्स है. द बेसिक टैक्स इज गोइंग टू बी फ्लैट 22%. नो स्लैब्स, नथिंग. 100 रुपया इनकम 22 रुपया टैक्स. 1,000 रुपया इनकम 220 रुपया टैक्स. 1,00,000 रुपया इनकम 22,000 रुपया टैक्स. फ्लैट रेट ऑफ 22%. नो स्लैब्स. सो व्हाट इज द रेट? वहां पे बीएसी के अंदर ना बहुत सारे स्लैब्स थे, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन था. ये एकदम सिंपल है, सॉर्टेड है एकदम. वन फ्लैट रेट, रेट ऑफ टैक्स फ्लैट 22%. बेसिक टैक्स के बाद में क्या आता है? रिबेट. में लिख भी नहीं रहा हूं, आप लिखोगे तो भी वो टाइम वेस्ट है और इंक वेस्ट है. हेलो. यस सर. सर भाई इंडिविजुअल तो हम ऐड करेंगे सरचार्ज. किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी का ओल्ड रेजिम का सरचार्ज याद है क्या? रूल याद है क्या ओल्ड का? 12% 50 लाख के बाद 12% अबव 1 सी वर्ड हमेशा लगेगा और वो हमेशा 10% होगा फिक्स. 100 रुपया भी इनकम होगा ना तो 22% बेसिक टैक्स एंड 10% सरचार्ज. 10 रुपया भी इनकम होगा तो भी 22% बेसिक एंड 10% सरचार्ज. फिक्स सरचार्ज. जैसे एचईसी कैसा लगता है वैसा लगेगा. एंड व्हाट इज द रेट हियर? 10% एंड एज फार एज एचईसी इज कंसर्न्ड. इसमें तो अगर मैं ये ऑलवेज वर्ड लिख भी रहा हूं तो नोटबुक पे मेहरबानी कर रहा हूं. समझ में आता है? यस सर. हमको सबको मालूम है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है. Four. So in the new regime for cooperative society, the tax rate is going to be 22, 10 and 4. What is going to be the rate? 22, 10 and 4. So kisi kisi bachche ko aisa lagta hai, etle sir total to 36 thai gaye hone sir. 36 ho gaya na total? Yes sir. No sir. Ghar pe aake laafa marega gadeda jaisa baat nahi karna. No. Haan barabar hai, no hi hai. Kyunki yaad rahe surcharge hamesha basic tax ke upar lagta hai. Yes. और HEC तो इन दोनों का जो टोटल होता है उसके ऊपर लगता है. मतलब 22 के ऊपर 10% सरचार्ज, वो 2.2, और फिर उस 24.2 के ऊपर 4% सरचार्ज, गिविंग अस एन इफेक्टिव टैक्स रेट. कैलकुलेटर है तो चेक कर लेना, 25.168. और अगर ऐसे नहीं जमता है ना तो एक काम करो, 1,00,000 रुपए की इनकम लो. मैं जो बोल रहा हूँ वो करो. 1,00,000 की इनकम लो, बेसिक टैक्स रेट क्या होगा? 22%. 22. फिर सरचार्ज कितना ऐड होगा? 10%.
4% कैलकुलेट टैक्स ऑन 1 लाख क्या मिलता है आपको 25,168 25 तो है ना इफेक्टिव रेट इज 25.168 अंडरस्टूड यस सर यस सर सर ऑलवेज सरचार्ज का लॉजिक क्या है क्योंकि बेसिक रेट ऑलरेडी कम है ना इफेक्टिव ही खाली 25 हो रहा है और आपको याद है ओल्ड रेजिम में 20,000 रुपया क्रॉस करते ही आपका बेसिक रेट ही 30 है यस सर समझे यस बिकॉज बेसिक हमने इतना कम रखा है दैट्स द ओनली लॉजिक कोई रॉकेट साइंस हाथी घोड़ा नहीं कुछ इतना ही है बस तो बेसिक ही 25 तक 24 तक ला देते थे ना एडिशनली सरचार्ज करके क्यों अलग से स्टेप बना वैसे करने को तो कुछ भी कर सकते हो करने को तो आप एक काम करो वैसे तो ओल्ड रेजिम डिलीट ही कर देते कर, देखो देखो एक बात बताता हूं निर्मला ताई इज यूजलेस अभिराम वो तो आप भले आप तमिलनाडु से हो अभिराम यू विल बी रियली ऑफेंडेड एवरी टाइम आई क्रिटिसाइज हर यू आर नॉट लाइक टोटली अग्री टोटली इन अग्री यू आर एक्चुअली अग्री विथ मी यस सर बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स आफ्टर मी नंबर वन मी सेकंड बेस्ट इज सीए पीयूष गोयल सर उनको बनाना चाहिए अगर मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर बनू ना तो मैं भी मैं क्या करूंगा पता है अभिराम आई विल डिलीट दी ओल्ड रेजिम मैं सिर्फ इतना ही रखूंगा आई विल कीप ओनली दिस मच मैं ओल्ड रेजिम ही निकाल दूंगा अभिराम आप फाइनेंस मिनिस्टर भी बन सकते हो ना मैं आप तो तमिलनाडु से हो आपका तो फिलहाल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आप एक काम करना अभिराम बेसिक टैक्स को 25.16 एक बात बता रहा हूं सुनो मेरी बात 24 बोला ना आपने 24 मत रखो बेसिक को ही 25.16 सेट करो अलग से एचईसी भी लगाने का जरूरत नहीं इट्स अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनफैक्ट बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर जिस टाइप का इंसान होता है उस टाइप के अमेंडमेंट लेके आता है जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इफ यू हैव ब्रॉट दिस पॉइंट अभिराम लेट मी कंक्लूड दिस पॉइंट फॉर यू जेटली जी की एक बहुत गंदी आदत थी हम लोग अलग अलग बजट की बात करते हैं देखिये 2014, 15, 16, 17, 18 ये सारे बजट कौन लेके आया दीज फाइव बजट्स वर जेटली जीज बजट्स ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड यस नो एवरीवन यस यस सर दिस इज अ बजट फॉर 14-15 दैट मींस एवाई 15-16 15-16 एवाई 16-17 ये तो पता है ना कि फरवरी में बजट आता है तो ये जो अपकमिंग प्रीवियस ईयर है ये अपकमिंग प्रीवियस ईयर के लिए होना चाहिए ना यस सर And so on and so forth. And of course, the corresponding assessment here. जेटली जी की क्या गंदी आदत थी वो 2016 में एक अमेंडमेंट लेके आए which is applicable from 21-22. वो 2014 में एक अमेंडमेंट लेके आए which is applicable from 16-17. सेक्शन बना के छोड़ दिया अप्लाई बाद में करेगा This section will come into force from 21-22. This section will come into force from. कभी कभी हम तो जेटली जी के बारे में ऐसा मजाक उड़ाते थे कि जेटली जी पागल है 2016 में अमेंडमेंट बनाया विच इज एप्लीकेबल इन 2021 इनका खुद का भरोसा नहीं तभी तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे नेट दैट टाइम इट वाज अ जोक अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अ वेरी गुड लीडर बिकॉज ही वाज ओनली अ बैड फाइनेंस मिनिस्टर ही वाज अ सुपर्ब लॉयर वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स ऑफ द कंट्री वन ऑफ द बेस्ट ऑपोजिशन लीडर्स ऑफ द कंट्री वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन एक ऐसे पर्सन जिन्होंने न जाने कितने डेकेड पॉलिटिक्स में निकाले लेकिन कभी भी उनके ऊपर करप्शन का एक भी ब्लेम नहीं आया एक भी पॉलिटिक्स में आदमी पैर बाद में रखता है पहले करप्शन लोग उसके ऊपर चार्जेस लगा देते बट जेटली जी के ऊपर कभी किसी ने इल्जाम भी नहीं लगाया फॉरगेट अबाउट बीइंग प्रूव्ड बट अ वेरी बैड फाइनेंस मिनिस्टर ये उनकी आदत थी क्या 2-3 साल बाद के अमेंडमेंट लेके एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट निर्मला आंटी वो ऐसा नहीं करती है ये बजट इसके लिए मतलब उनका ऑफ कोर्स उनका 19 से चालू हुआ है 19 का बजट 19-20 के लिए 20 का बजट 20-21 के लिए अभी 21 का बजट लाया ना आपके एग्जाम के लिए 21-22 लेकिन इनकी क्या आदत है मालूम है ये सब कुछ बजट में नहीं लेके आती है बोला थोड़ा थोड़ा करके लाऊंगी फेब में एक बजट आया मार्च में अप्रैल में जब मन करता है एक बजट लेके आती है दिस इज बेसिकली चेंज इन बिहेवियर फ्रॉम मिनिस्टर टू मिनिस्टर एंड दीज आर समटाइम्स गोइंग टू बी एस्पेक्ट्स विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर टैक्स प्रोविजंस दैट यू are going to learn iska kuch nahi ho sakta if you were to take my opinion I will delete the new regime and confine in the old regime
सॉरी उल्टा बोला, आई विल डिलीट द ओल्ड रेजिम एंड जस्ट रिटेन द न्यू रेजिम. तो अब आपका आंसर सिर्फ इतना है अभी ना, अपन फाइनेंस में आप बनोगे तब आप बेसिक कोई, मैं तो क्या बोलता हूँ सेस भी निकाल दो बेसिक इतना, इसके अलावा इसका और कोई भी लॉजिक नहीं है. एंड इफ वी हैव टू पिन पॉइंट दैट लॉजिक इन कंपैरिजन विद ओल्ड रेजिम कि वहां पे 1 करोड़ के बाद सरचार्ज आता है, यहाँ पे पहले से आता है, उसका लॉजिक मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पे 20,000 के बाद में बेसिक टैक्स कितना है 30%. और यहाँ पे तो इनफाइनाइट, कितना भी इनकम हो बेसिक टैक्स इज अ वेरी लो रेट ऑफ, दैट्स द होल आइडिया. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अभिराम. यस सर. ओके सो ये हैविंग सेड दैट एट दिस स्टेज आल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन, कहीं पर भी हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए. अगर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी कोई चैप्टर 12 वाला, मतलब कहना इसे स्पेशल रेट वाला इनकम है. यस सर. तो चैप्टर 12 का इनकम विल बी टैक्सेबल एट द प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल रेट ओवर देयर. ओके एंड फाइनली व्हाट इज द लास्ट पॉइंट, जो पॉइंट 6 बीएसी में भी हमने किया. टैक्स बेनिफिट्स टू बी फॉरगॉन, लॉन्ग लिस्ट. ऑब्जर्व करोगे तो आज के लेक्चर का सबसे ज्यादा टाइम ही उसमें कंज्यूम हुआ. यस सर. यस सर. हाउ मेनी पॉइंट्स वर देयर इन दैट लिस्ट? 20. हियर यू हैव टू फॉरगो 10 बेनिफिट्स. मतलब वंस अगेन, अब आप क्योंकि बीएससी हो गया तो थोड़ा आपको आइडिया है, ये 10 हमारे एग्जेम्पशन डिडक्शन है, ओल्ड में मिलेंगे न्यू में छोड़ने पड़ेंगे, करेक्ट नो सर? तो अभी हमको जैसे 20 करके लर्न किया वैसे 10 भी पागल हो जाएंगे सर. अब एक गुड न्यूज देता हूं, दीज 10 आर फ्रॉम दोज 20 ओनली. तो एक काम करो, वो 20 में जो भी इंडिविजुअल से रिलेटेड थे ना, याद रहे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इंडिविजुअल के कैसे थे वो लीव ट्रैवल कंसेशन वाला, सैलरी से जो भी रिलेटेड थे, हाउस रेंट अलाउंस वाला, वो 10-14 वाला, सैलरी के जो सेक्शन 16 के डिडक्शंस थे वो वाले, एमपी एमएलए अलाउंस, फैमिली पेंशन वाला, क्लबिंग ऑफ इनकम वाला, हाउस प्रॉपर्टी वाला, वो निकाल दो, 10 ऐसे ही निकल जाएंगे. जो 10 बच गए एसी सेड वाले, पीजीबीपी वाले 7, एक एसी सेड वाला 7, तो पीजीबीपी 8, तो यही हो गया. इन सब से रिलेटेड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड चैप्टर 6 है, हो गया आपका 10 पॉइंट. दीज 10 आर फ्रॉम दोज 20 only, just delete 10, you will be left with 10. Let us see what are the tax benefits to be foregone for cooperative society. Kya cooperative society ka aapko old wala rates yaad hai? Ye old regime ke rates hai. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Charge ka rule kya tha old wale mein? 12%. 12%. Above 1 crore. If income exceeds 1 crore and 4% HEC. This was the rule. And now let's talk about the new regime. Which is the new regime for cooperative society 115 BAD? And mind you, we have clearly highlighted that it's available only for resident cooperative society. देखिए, last year जब AY 21-22 था ना, तब ये 115 BAC BAD amendment थे ना, तो कभी भी amendment हम लोग book में ऐसे लिखते हैं, मस्त एकदम लाल लाल color बनाते. इस साल जब May 22 के लिए नई book बनेगी तो इसको नॉर्मल जो ब्लू कलर की बाकी सबके लिए यूज किया है इसको ब्लू में डाल देंगे, लेकिन फिर भी इसको बोल्ड ही रखेंगे क्योंकि पता होना चाहिए कि रेजिडेंट को ही अवेलेबल है. तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको इंपॉर्टेंस पूरा मिलेगा. व्हाट इज द बेसिक टैक्स? 22%. सरचार्ज एचईसी याद आया, चैप्टर 12 विल बी एप्लीकेबल एंड एएमटी विल नॉट बी एप्लीकेबल. यस सर. ये रिवीजन है मित्रों, रिवीजन. यस सर. Option has to be exercised on or before the due date of return filing, and once exercised cannot be changed, shall be applicable to all the subsequent years. ये भी देख लिया हमने. खाली BAC में rule अलग था, बाकी सब में यही rule है. अब आ गए वो. Tax benefits to be foregone. कोई बड़ा tension लेने वाला बात है ही नहीं, because ये वाले जो 10 point है, ये उन्हीं 20 में से है. मित्रों, क्या क्या? SEZ का deduction. ये 7 आपके PGBP वाले. Till point number 8. Same sections are there. Additional depreciation. 32 AD खाली वो delete हो गया क्योंकि वो 1920 तक लगता था. Tea, coffee, rubber, site restoration. Scientific research के section में total कितने हैं? 7? Yes, sir. Yes, sir. उसमें से 1 is applicable only for? Company. Company.
तो वो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। तो बचे छे, छे में से दो अलाउड, वही चार छोड़ने हैं। सेम है, पूरा सेक्शन सेम है, वही चार छोड़ने। स्पेसिफाइड बिजनेस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेम, चैप्टर सिक्स का पूरा डिडक्शन सेम, एक्सेप्ट 80LA। देखिए देखिए सुनिए, 80CCD2 वॉज फॉर एम्प्लॉइज एंड 80JJAA इज फॉर अ बिजनेस जो नए एम्प्लॉइज को जॉब दे रहा है। और ये सेक्शन किसके लिए है? ऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें खाली 80LA मिलेगा, बाकी पूरा चैप्टर सिक्स आपको छोड़ना पड़ेगा। और इन सब से रिलेटेड अगर कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, याद है वो भी एक पॉइंट था, करंट ईयर का नहीं मिलेगा और ब्रॉड फॉरवर्ड भी नहीं मिलेगा। बस तो ये 10 पॉइंट उसी में से। एंड एज फार एज फर्म्स एंड कंपनीज आर कंसर्न, वो आपको रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, ओल्ड रेजिम तो सिखाया ही जाएगा फर्म्स में एंड कंपनीज में, एंड न्यू रेजिम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपनीज। पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई न्यू रेजिम नहीं है। अच्छा है, एक बात बताओ, लिसन, इट्स गुड न्यूज फॉर यू कि फर्म्स के लिए न्यू टैक्सेशन रेजिम नहीं है, क्योंकि आपको खाली एक ही पढ़ना पड़ेगा ना फिर। यस सर, यस सर, यू डोंट हैव टू लर्न ओल्ड न्यू बोथ, नो देयर इज ओनली ओल्ड। कंपनीज के लिए ओल्ड भी है न्यू भी है, तो हम लोग दोनों कंपनीज के चैप्टर में ओल्ड और न्यू दोनों करेंगे। दीज आर द टैक्स बेनिफिट्स टू बी फॉरगॉन। एंड विद दिस फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वी कैन डिसाइड एंड डिक्लेयर अवर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन हियर बाय कम्स टू एन एंड। थैंक यू वेरी वेरी मच। अरे सुनो रे, जैसे ही मैंने ऐसे जोर से बोला ना थैंक यू वेरी वेरी मच, कोई कोई को ऐसा लगा होगा, अरे सर वाओ, आज लेक्चर खत्म, मस्त यार, थैंक यू वेरी मच। मैं क्यों बोलता हूं मालूम है, और क्यों बोलूंगा मालूम है आने वाले टाइम में? दीज लेक्चर्स आर ऑल्सो माई न्यू रिकॉर्डिंग्स ऑफ, मैं जिस सॉफ्टवेयर से आपको अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करके आपको दिखता है, मैं आपको ऐसे भी दिख सकता हूँ, ऐसे भी दिख सकता हूँ, मैं खाली स्क्रीन भी दिखा सकता हूँ, मैं छोटा भी हो सकता हूँ, मेरे पास सारे रस्ते हैं। मारवाड़ी हूं ना, थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ, खर्चा किया है इसके लिए। दीज आर ऑल्सो माई रिकॉर्डिंग्स इन माई सॉफ्टवेयर, और मेरी जो रिकॉर्डिंग्स होती है वो चैप्टर वाइज होती है, चैप्टर वाइज। तो हर चैप्टर के एंड पे थैंक यू वेरी मच, ऐसा मैं रिकॉर्डिंग के लिए बोलता हूँ। अपना चैप्टर खत्म हुआ मतलब लेक्चर खत्म हुआ नहीं, अब वो स्टॉप बटन दब के वापस रिकॉर्ड बटन दबा के नया चैप्टर चालू होगा, और वो रिकॉर्डिंग अलग फाइल बनेगी। फाइल फोल्डर ये सब समझते हो ना कंप्यूटर की भाषा में? का फोल्डर होता है, उसमें पार्ट वन पार्ट इंट्रोडक्शन तीन पार्ट में गया, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, वैसे डीटी डबल जाएगा। तो मैं जब भी थैंक यू वेरी मच बोलू गलती से तुम लॉग आउट मत कर देना, बोला ये सर तो आज थैंक यू बोली दी दो चलो जाओ, डोंट बी सो स्टूपिड। हां दैट इज फॉर हुम? ओनली फॉर द रिकॉर्डिंग वाला बच्चा। तुम लोग एक बात बता देता हूँ, यू ऑल आर मोर फॉर्चुनेट कंपेयर टू दोज़ हू आर वॉचिंग द रिकॉर्डेड क्लासेस। क्यों सर ऐसा? सर वो रिकॉर्डेड क्लासेस वाले ना मुझे इमीडिएटली अपने डाउट्स, अभिराम ने पूछ लिया, मैंने इसके साथ डिस्कशन किया, रिकॉर्डेड क्लासेस वाले को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। डाउट्स का रिप्लाई करते हैं व्हाट्सएप विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, दे व्हाट्सएप मी, समटाइम्स इफ दे डोंट हैव माई नंबर दे व्हाट्सएप इट टू माई टीम मेंबर्स, दे फॉरवर्ड मी द डाउट, आई रिप्लाई टू माई टीम मेंबर्स एंड दे फॉरवर्ड द डाउट और द आंसर टू द स्टूडेंट्स। याद रहे बच्चों, ऑनलाइन लाइव इज फार बेटर देन रिकॉर्डिंग्स, एंड वॉट इफ आई टेल यू दैट फिजिकल लेक्चर्स आर फार बेटर देन ऑनलाइन लाइव ऑल्सो, ये तो आप भी मानते हो आई थिंक, उसका कोई रिप्लेस नहीं, बट करंट सर्कमस्टेंसेस हमारे हाथ बांध के रखे, हम कुछ कर नहीं सकते। वेल यहाँ पे इंट्रोडक्शन का चैप्टर खत्म होता है। इंट्रोडक्शन का चैप्टर खत्म होके हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, डबल टैक्सेशन रिलीफ। डबल टैक्सेशन रिलीफ नाउ, ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन इतना कुछ खास चैप्टर था नहीं, वो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन गया, फॉर व्हाट रीजन? बिकॉज ऑफ न्यू रेजिम, न्यू रेजिम, न्यू रेजिम, एंड आज का लेक्चर भी कंज्यूम उसकी वजह से हुआ। सोचिए जरा प्लीज, अगर न्यू रेजिम नहीं होती तो कल ही हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया होता एंड आज हम लोग नया चैप्टर कर रहे होते, आप इतना भी मानते हो ना मेरी बात? यस सर, यस सर। अब समझने कुछ चीजें समझनी है बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन है, इट वाज अ बिगिनिंग, आप मेरे से कंफर्टेबल हो, मैं आपसे कंफर्टेबल हूं, एंड वी नीड टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट आउट ऑफ दिस क्लास। कुछ फीडबैक है वो आपको समझना पड़ेगा, आप मेरे सिस्टम को समझ लीजिए। मैं 7:05 पर लेक्चर नहीं चालू करता हूं, मैंने 11 साल में कभी नहीं किया है। पहला
इंट्रोडक्शन के चैप्टर में कुछ बच्चे 7:30-7:30 के बाद में लॉग इन किए, इट्स ओके, यू मिस्ड समथिंग, बट मेरी जो आदत है वो बार 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 ऊपर जाके रिवाइज करवाते जाता हूं, उसमें शायद आपका हो गया हो। आने वाले डेज में इफ यू तुम अगर घर बैठे बैठे लेट लॉग इन करते हो, देन कल की डेट में यू कैनॉट सिट एंड डू अ धरना नो इन फ्रंट ऑफ इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग। एक तो इनको नॉर्दर्न जो स्टूडेंट्स है ना, नॉर्थ के, वो दिल्ली साइड के बच्चे, वहां के दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के प्रोफेसर और वहां का चीफ मिनिस्टर रोज धरना ही देते रहे, उनका काम ही वही है, दे आर सिटिंग ऑन अ धरना एवरी डे। यू कैनॉट ब्लेम एनीबडी बट योरसेल्फ अगर आप घर बैठे बैठे भी 7:30 तक लॉग इन नहीं करते। इंट्रोडक्शन का चैप्टर था, छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अब तो वीकेंड भी है, मैं कैमरा वाला रूल थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट करने वाला हूं, इसलिए स्ट्रिक्ट बिकॉज वैसे मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आज यू नो 58 कुछ बच्चे हैं अपनी क्लास के अंदर, उसमें से अगर 10 बच्चों का कैमरा ऑन है एंड बाकी 45 का बंद भी है, देन ऑल्सो इट्स ओके, लेट मी बी ऑनेस्ट, मेरे लिए, बिकॉज आई कैन सी देयर रिएक्शंस, आई कैन सी देयर फेसेस, आई कैन सी देम डूइंग यस और नो, दैट गिव्स मी एन आइडिया कि नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, पर्पस वो है। लेकिन मैं किस 10 को चूज करूं? मैं अगर 10 के लिए रूल बनाऊंगा तो मुझे सबके लिए रूल बनाना पड़ेगा, और कुछ बच्चे के नए फॉलो करना की वजह से ये अच्छे बच्चे भी सोचते, छोड़ना यार कोई नहीं करता, मैं क्यों करूं, वो भी फेल होएगा, तू भी फेल हो, ऐसा मत करना। यू हैव टू फॉलो दिस रूल वेरी वेरी सिंसियरली एंड सीरियसली, एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू कमेंसमेंट ऑफ द क्लास। अगर आप लेट आओगे तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, बिकॉज इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन था, वो तो हो गया। डबल टैक्सेशन रिलीफ इज अ चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स का टारगेट कितना है? मार्क्स लाने का हमने टारगेट रखा था 15 मार्क, 20 में से ऑब्जेक्टिव निकाल के जो बचेगा सब्जेक्टिव में से, वो 20 में से 8 मार्क, 15 हमारा टारगेट है ना इंटरनेशनल टैक्स में लाने का, 15 टारगेट है ना, उसमें से 8 मार्क मिलेगा डबल टैक्सेशन रिलीफ के चैप्टर। 8 मिनिमम 6, इट कैन गो अप टू 8, 6 to 8 marks यू आर गोइंग टू स्कोर इन DT डबल, which is the next chapter, and not coming in this chapter on time and taking it seriously, aap apna khud ka nuksan kar rahe ho. Please make sure students, main bar bar bol ke apna time kyun waste karu, kyunki mujhe farak, it is affecting me that you are not taking it seriously. Please make sure that you are very sincere. Ab aapko refresh hone ke liye, aa Saturday na, is Saturday ko to hum log 10:30-11 baje tak bhi class le sakte hain. You all don't have offices on weekends yaar, abhi ye non-essentials, non-essentials का Monday to Friday का ही permission है, essentials को allowed है full week open होने के लिए, non-essential Monday to Friday वो भी 4 बजे तक, हम तो evening lecture भी रख सकते, correct no? Work from home sir. You अभी बहुत जल्दी participate किया पूरे lecture में तो नहीं बोले आप, इतना जल्दी बोलना था एक भी आंसर पूरे लेक्चर के अंदर? बी दिस मच पार्टिसिपेटिव व्हेन आई एम आल्सो टीचिंग, बिकॉज आपकी ऑफिस आपका उतना काम नहीं करेगी जितना आपकी सीए की डिग्री करेगी, उसके लिए मार्क्स लाना पड़ेगा और उसके लिए मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। तो 10 बजे के बाद वर्क फ्रॉम होम चालू हो जाता है क्या? झूठे लोग, आई ट्रस्ट यू, मान लिया 10 बजे के बाद, तो मैं सैटरडे का भी, क्योंकि मेरा जनरल सिस्टम है मंडे टू फ्राइडे 10 बजे छोड़ता हूँ, सैटरडे को 10:30-11 तक लेता हूँ, ताकि क्या पोर्शन थोड़ा जल्दी होए और कुछ भी नहीं। इफ आई फिनिश देन यू कैन थिंक अबाउट योर अदर क्लासेस आल्सो, आप ना बोलोगे तो नहीं लूंगा, चलेगा मेरे को क्या होएगा, 2-5 लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आई ट्रस्ट यू, इस ट्रस्ट को कभी तोड़ना मत। सैटरडेज आल्सो वी विल टेक टिल 10, हफ्ते में एक दिन सबको छुट्टी चाहिए, प्लस मैं ना घर से लेक्चर्स ले रहा हूँ, घर वाले मेरे को घर से निकाल देंगे, रोज सुबह सुबह तू उठ के पूरे घर में चिल्लम चाली करने लगता है सबको उठने का, संडे को भी हमको उठने का, तेरा क्लास है तो तेरे क्लास में तेरे बच्चे नहीं उठते, हमको उठना पड़ेगा, ऐसा कैसा सिस्टम है? तो इसलिए संडे का तो छुट्टी रहेगा, बट प्लीज मेक श्योर दैट मंडे ऑनवर्ड्स आप अपनी आदतें थोड़ी सुधार दो। 7 बजे डबल टैक्सेशन रिलीफ चालू हुआ, और अगर आप 7 बजे नहीं है, क्योंकि अब चैप्टर खत्म हो गया है, फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग मंडे मॉर्निंग इज गोइंग टू बी डबल टैक्सेशन रिलीफ ओनली, अगर आप नहीं आते हो तो आप बहुत बड़ा, आप अपने 8 मार्क अपने उधर ही खो दिया, बाद में आपको अपने मार्क्स कहां से लाने, आप देख लो। एंड कैमरास के लिए आई विल बी स्ट्रिक्ट, वीडियोस के लिए फ्रॉम मंडे, एज ऑफ नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और स्क्रीनशॉट
You can wait back. Rest can leave, please. Thank you very much. See you on Monday morning, sharp 7 o'clock. Doubts and screenshots in the chat box, please. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, Rohan. Hello, sir. Huh. सर वो जो इंडिविजुअल का ये था 115 बीएससी एंड बीएडी उसमें इफ वी एक बार न्यू से ओल्ड आने के बाद हम लोग को वापस अगर न्यू में जाना है सो वन थिंग वाज दैट वी शुड स्टॉप द पीजीबीपी इनकम सो आफ्टर 3 to 4 इयर्स अगर मैं वापस पीजीबीपी चालू कर दूं तो एक बार आप अभी किस में आ गए अभी जब आपने पीजीबीपी बंद कर दिया था हाँ. तब आप न्यू ओल्ड दोनों में से कुछ में भी रह सकते हो राइट सपोजिंगली आप न्यू में चल रहे हो और आपने वापस पीजीबीपी चालू कर दिया हाँ तो न्यू में तो आप हो ही बाय डिफॉल्ट राइट आप ओल्ड में चले जाओ वापस नहीं आ सकते हो क्योंकि पीजीबीपी वालों का वो रूल है राइट सपोजिंगली आप ओल्ड में चल रहे हो और तब आपने पीजीबीपी चालू कर दिया हाँ तो एक बार आप न्यू में जाके वापस आ सकते हो दूसरी बार नहीं जा सकते हाँ वही सो वो साइकिल ये हो जाएगा ना नया साइकिल है ना बेसिकली हाँ यस ओके 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 हाँ नेक्स्ट इज सुयोग हेलो सर सर मुझे डाउट था अभी कैसे कि आपने बोला कि अनअब्सॉर्ब जो डिप्रिसिएशन रहेगा उसका बेनिफिट हम लोग न्यू स्कीम में नहीं ले सकते करेक्ट ओके तो सपोज और कैसे है सर I think unabsorbed depreciation के लिए भी कोई साल का लिमिट है subsequent years के लिए unlimited होता है unabsorbed depreciation unlimited okay okay sir suppose sir मैंने अभी मेरा अभी income था मैंने new scheme में opt किया तो मेरे को वो जो benefit था वो नहीं हुआ नहीं ले पाया then suppose मैं फिर से old scheme में गया old regime में तो वो केस में सर कैसे होगा मेरा पहला वाला जो unabsorbed depreciation रहेगा वो मिलेगा ना आपको फिर से मिलेगा मतलब वो जो गैप रहेगा वो मतलब वो एनीवेज उसका एनीवेज उसका कोई अनलिमिटेड पीरियड है जो चला गया और चला गया जब आप वापस ओल्ड में जाओगे तब आप ले सकते हो ओके सर ओके ओके और एक चीज नाउ दैट यू हैव ब्रॉट इट अप सुयोग एंड एवरीबॉडी एल्स पे अटेंशन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन याद रहे ये खाली एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले के लिए पूरे के पूरे न्यू रेजिम में नॉर्मल डेप्रिसिएशन छोड़ना पड़ेगा हमने कहीं पर भी नहीं बोला इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड इन न्यू रेजिम Yes, sir. What is not allowed only additional depreciation in the current year या brought forward. तो normal depreciation का current year वाला होगा या brought forward वाला भी होगा दोनों new regime में मिलेगा तो उसके लिए तो ये concept ही apply नहीं करेगा ना जो आपने पूछा वो Your concept will apply only for additional depreciation. Yes, sir. समझे ना? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Hardik. Hello, sir. Hardik. हाँ, sir. सर मार्जिनल टैक्स रिलीफ से रिलेटेड डाउट था उसमें हम लोग जब मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करते हैं तो चर्चा तक ही रुक जाना है कैलकुलेट करके या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तक पहुंचना है मार्जिनल रिलीफ इज अलाउड ओनली फ्रॉम सरचार्ज क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है जब आप फाइनेंस एक्ट के पेपर्स आप डाउनलोड करके देखोगे ना तो क्लियरली लिखा होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% विदाउट एनी रिलीफ विदाउट एनी मार्जिनल रिलीफ तो सर इफेक्टिवली देखने जाए तो हमारा जो थोड़ा ज्यादा होगा 4% जितना इनकम प्लस 4% उतना डिफरेंस होगा मार्जिनल रिलीफ दे भी रहे ना वो भी तो एक मेहरबानी है ना बोल देते तो आप क्या कर लेते यस सर समझे यस सर सर रिकॉर्ड डाउट था रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में हाउस प्रॉपर्टी का ये क्यों नहीं दिया टैक्स बेनिफिट एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्स बेनिफिट है व्हाट इज दैट एसओपी का इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा yes, sir. वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होगी एचयूएफ ने भी एक बार है ना एसओपी का जो बेनिफिट लिया था उसमें भी एक केस लॉ हो गया और फिर केस लॉ में इट वॉज प्रूवन दैट फैमिली कंटेन्स ह्यूमन बींग्स नो तो एचयूएफ को भी अलाउड है लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन उसको तो रहने के लिए कोई घर की जरूरत नहीं है yes, तो उसको एसओपी का एनीवेज डिडक्शन ही नहीं मिलेगा अंडर हाउस प्रॉपर्टी तो जब मिलेगा ही नहीं तो छोड़ने का किधर बात है समझे ना कनक सर स्क्रीनशॉट चाहिए था वो तो चल रहा है ना धीरे धीरे करके नहीं सर आपका स्क्रीन पे विजिबल नहीं है क्या बात कर रहे हो मैं कब से स्क्रॉल करते जा रहा हूँ साफ़ ही दिख रहा है ओह शिट हाय ला
अरे मैं कब से स्क्रॉल करते जा, मेरे को लग रहा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो, बोलना चाहिए था ना। अभी मैं कर रहा हूं नेक्स्ट, अभिराम स्क्रीनशॉट ही है। अमृता सो मोस्ट ऑफ माय डाउट गॉट सॉर्टेड विद सुयोग्स डाउट, बट आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड इफ आई एम कैरी फॉरवर्डिंग एनी लॉस एंड आई कीप स्विचिंग स्कीम्स, इज देयर एनी पॉइंट वेयर बिकॉज़ आई एम स्विचिंग स्कीम्स माय लॉस विल लैप्स और समथिंग लाइक दैट। The only person who is allowed to switch schemes is individual, HOF, no PGBP. Yeah, no PGBP. Which loss you are talking about? So suppose if it's capital gains or something and I got a loss and I was going to go carefully in the 20 tax benefits to be foregone, there is not a single point of capital gain. So whether you are old or new. It doesn't lapse, right? It doesn't lapse, irrespective of the switch. Because nowhere we have even, in fact, mentioned anything about that. No? That was my question. Okay. I'm scrolling for the screenshot. Sorry, I was talking. I was assuming that my screen is open. And Abhiram. So, jo unabsorbed depreciation ka point tha, forgo karna hai. That is pertaining to the above benefits. Yes. To wo which point includes only additional depreciation. To agar unabsorbed depreciation hai, but it's not relating to the additional depreciation. Normal which is normal depreciation. Yes. वो करंट ईयर का भी मिलेगा और ब्रॉड फॉरवर्ड भी मिलेगा, बिकॉज नॉर्मल डेप्रिसिएशन फॉरगो करने का कहीं पर भी न्यू रेजिम में रिक्वायरमेंट या कंडीशन ही नहीं। रिक्वायरमेंट इज ओनली फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन समझा सर? फॉलोड? यस, आई एम स्टिल स्क्रोलिंग, माय बैड, आई डिडंट पे अटेंशन। स्क्रॉल करते करते अगर कुछ छूट जाए तो बता देना। सर, आई हैव अ क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। यस, आई वांटेड टू आस्क यू दिस, बिटवीन व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास एंड नाउ, कैन वी फॉलो द सेम नोट्स, बिकॉज़ देयर इज द आर देयर टू मेनी अमेंडमेंट्स, नॉट इन द फर्स्ट चैप्टर बट इन द अपकमिंग चैप्टर्स देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डाउट्स, a lot of changes, like for example an organization called Income Tax Settlement Commission is abolished altogether. Okay, so there are going to be a lot of changes in upcoming chapter, so it is appropriate that the different notes are followed for the respective attempts. Chapters. Okay, because the last batch was for the November 21 attempt and accordingly the notes were prepared, and now this batch is for the May 20 to November 22 attempt. The notes of course are going to change based on the assessment here. Okay, sir. Thank you. Acha, you all want the screenshots of the handwritten part also, that tax benefits to be foregone wala part? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने जो यहाँ पे मार्किंग वगैरह की है वो डिलीट करूँ क्या? नहीं तो थोड़ा सा मतलब खराब, मैंने जो लिखा है वो सब डिलीट करूँ क्या? तुमको ऐसे ही चाहिए? समझ रहा सर, ऐसे समझ रहा, ऐसे ही रहने दो, ले लो ऐसे ले लो। This is 115 BAC, yeah? By the way, वो लिख दो ना, confusion नहीं होना चाहिए। ये 115 BAC का list है। I'll give you the BAD list also.